तम त्वाम वयमनाथ समुज्जिहानम सरोज नाभात चिरेप्सितार्थम दृष्टवा गता निर्वृतिमध्य सर्वे गजा दवार्ता इव गांग मांब। हे सरोज नाम, हे नाथ, आज आपको अपने आंखों के सामने प्रकट देखकर हम समस्त देवगण परमानंद को प्राप्त हुए। हमें बहुत आनंद हो रहा है। हमारी वह दशा थी जैसे हाथियों का समुदाय भयानक वनाग्नि में, दवाग्नि में पड़ जाए, परंतु उसके तुरंत बाद ही गंगा जी की धारा मिल जाए उन हाथियों को, तो गंगा जी के शीतल जल में वे डुबकी लगाकर जैसे सुख का अनुभव करते हैं, उस प्रकार हम लोग आज सुखी हो गए। निर्वृतिम गता, बहुत सुख मिला आपको देख करके। देवगण इस श्लोक में भगवान के लिए दो संबोधन दे रहे हैं, नाथ और सरोज नाथ। नाथ का अर्थ होता है रक्षक, पालक। जैसे एक असहाय बच्चे के लिए उसके माता पिता नाथ हैं, रक्षक, सभी आवश्यकता प्रदान करते हैं, प्रेम करते हैं, पोषण करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको नाथ कहते हैं। तो श्री कृष्ण जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ है जगतान, जीवा नाम नाथ जगन्नाथ। जगत का अर्थ होता है जीव, समस्त जीवों के पालक भगवान हैं। हम लोग इस प्रसंग में यह पढ़ रहे हैं, इसको ठीक करो, क्यों खराब कर रहे हो? हरि बोल। पहले तो ठीक था, अब ये खराब क्यों किया? इको मत आने दो, बंद करो। हाँ, बहुत अधिक आवाज की जरूरत नहीं है और डबल साउंड नहीं होना चाहिए। तो समस्त जीवों के स्वामी भगवान नाथ, इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम ही है जगन्नाथ। भगवान ने अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं जीवों पर, स्वाभाविक ही। तो इस प्रसंग में यह देखा जा रहा है कि अन्य जीवों की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तक कि जो जीव से भिन्न है, ईश्वर कोटि के हैं, वे भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कह रहे हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, और इसलिए भी नाथ हैं कि आपसे ही हमारा जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान भगवान के नाभि को देख रहे हैं, सरोज नाभ, जिनके नाभि से सरोज का जन्म हुआ, कमल का जन्म हुआ, और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी विशेष रूप से भगवान के नाभि का दर्शन कर रहे हैं, उसी नाभि से सरोज कमल प्रस्फुटित होता है और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से समस्त जीव भगवान के नाभि से प्रकट हुए हैं, ये कहा जा सकता है। जब इस विश्व के सर्वोच्च देवता भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तब अन्यों की तो बात ही क्या है। पर ब्रह्मा जी और भगवान शिव
परम ज्ञानी हैं, सब तरह से परिपूर्ण हैं, इसीलिए वे लोग समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण उनके नाथ हैं, स्वामी हैं। पर हमें मनुष्यगण इतने तुच्छ बुद्धि वाले हैं, हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। हम लोग ये जानते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा रक्षक है, हमारा आधार है, सहारा है, पालक है। यह उचित नहीं है, अपने वास्तविक रक्षक को पहचानना चाहिए। गीता में जैसे भगवान कहते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्यम। मैं ही जीवों की गति हूँ, मैं ही भर्तार हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, आधार हूँ, सब कुछ बंधु। तो भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में समझ लेना, यही तो मनुष्य शरीर की सफलता है। और इस संबंध को, ईश्वर के साथ, कृष्ण के साथ अपने संबंध को नहीं समझे तो मनुष्यों का कोई भी प्रयास, कोई भी काम धंधा वास्तव में सब फेलुअर, सब बेकार। चाहे लौकिक दृष्टि से कितना भी विकास करे, तो सबसे विकसित पद पर, सबसे उच्च पद पर ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं। ये लोग इस बात को कह रहे हैं सरोज नाभ। ऐसे भगवान के नाभि का आकार भी सरोज जैसा है, उनका नाभि भी स्वयं अपने आप में एक सरोज है। जैसे मुख कमल कहते हैं, वैसे नाभि कमल, नाभि सरोज। परंतु यहां पर मुख्य अर्थ है कि उस नाभि से सरोज का जन्म हुआ, कमल का जन्म हुआ, और कमल से विश्व का कारण, यहां तक ब्रह्मा जी का भी कारण। यह संबोधन करके ब्रह्मा जी और भगवान शिव कहते हैं कि अद्य आज हम आपका दर्शन किए, हम बहुत सुखी हो गए। और हे सरोजनाभ, अति चिरेप्सितार्थम त्वाम अति चिरेण ईप्सितम अर्थम। आप हमारे जीवन के ऐसे प्रयोजन हैं, लक्ष्य हैं, जिसकी प्रतीक्षा, अर्थात आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए हम लोग बहुत काल से इप्सा किए थे। इप्सा का अर्थ है लालसा। हमारी बहुत काल से लालसा थी आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। अति चिर इप्सितार्थम। चिर शब्द ही केवल नहीं है, अति चिरम, अति चिरम, बहुत काल से देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। आज के युग में तो केवल एक दो साल भजन किए, जप किए तो कहते हैं हमको भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। इतना शीघ्र दर्शन हो जाएगा। बहुत काल तक कृष्ण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। देर करते हैं वो तो आएंगे जरूर, लेकिन कुछ साधन करा लेना चाहते हैं भगवान और रुला लेना चाहते हैं। सासति करि पुनि करहि पसाउ नाथ प्रभुनकर सहज स्वभाव। भगवान का स्वभाव है कि पहले खूब भजन करा लेते हैं, रुलाते हैं, तपस्या कराते हैं, तब दर्शन देते हैं। इसी कारण से विषयी लोग भगवान के पास तो जाते ही नहीं कि अरे ये तो बहुत देर करेगा, तब तक तो मैं मर जाऊंगा, संसार को भोग ही नहीं सकूंगा। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, दूसरे जन्म में फिर भक्त बनूंगा। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर बहुत आता है भक्ति रहाय तो की त्वई। जन्म जन्म में भक्ति होगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं वे चाहते इसी जन्म में भोग मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मिल भी जाए तो भोगेंगे नहीं, भोगने की शक्ति ही नहीं है। शरीर रोगों का आगार है, क्या भोगेंगे। जो भोगने का साधन है वो शरीर ही कंडम है, क्या भोगेंगे। अतिचिर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अति दीर्घ काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे,
और इप्सित अर्थम का अर्थ है हमारी लालसा थी आपको देखने की मिलने की, भगवान कैसे हैं, हम लोगों के साथ आपका संबंध है, लेकिन अपने संबंधी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आज आप मिल गए तो हमें बहुत सुख मिल रहा है। और उस सुख को व्यक्त करने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे गजा हाथियों का समुदाय, गजा बहुवचन में है। जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत में बहुत जोर की आग लगी हो वन में कहीं, और हाथियों का समुदाय उस वनाग्नि में फंस गया हो, परंतु फंसने पर, चिघाड़ने पर, रोने पर, इधर उधर भागने पर तत्काल ही गंगा जी की धारा मिल जाए, अथाह जल जिसमें हो, और शीतल ऐसे ही हिमवान से बहकर आती हिमालय गंगा जी, तो गंगा जी का पानी बहुत ठंडा रहता है, हरिद्वार तक बहुत ठंडा रहता है। तो हाथियों का झुंड जो दावानल में झुलस रहा था, दग्ध हो रहा था, उसको शीतल जल मिल जाए गंगा जी का, और उसमें अवगाहन करे, डुबकी लगाए, तो वो जलन भूल जाएगा। जो आग का ताप उसे जला रहा था, उस ताप से वो समुदाय मुक्त हो जाता। तो उस समय वे हाथी जिस प्रकार बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं, उस जलन से और गंगा जी के शीतल जल के संस्पर्श से दोनों में मिलान करते हैं, तो उस समय अपने को बहुत सुखी मान लेते हैं, हम सुखी हो गए, बच गए। इस प्रकार हम लोग जल रहे थे, दुखी थे, लेकिन आज आपको देख करके हम शीतल हो गए, निर्वृत्ति को प्राप्त हुए। केवल दैत्यों के उपद्रव से ही नहीं, वास्तव में संसार का एग्जिस्टेंस जो है, संसार की सत्ता ही जीव को जलाने के लिए बनाई गई, इसीलिए यहां दुखों को ताप कहा गया है। त्रिताप, तीन प्रकार का ताप दिया जाता है जीव। ताप मतलब दुख। दुख शब्द सीधे न को अगर के ताप कहा गया है। इस संसार में अनेक बातों से व्यक्ति को कष्ट होता है, लेकिन आप देखते हैं ताप, आग के पास किसी को कर दिया जाए या आग में झोंक दिया जाए तो कितनी पीड़ा उसको होगी। तो इस तरह दुखों के कोषागार में हम लोगों को डाल दिया गया। जो व्यक्ति इस संसार को बनाया है वही गीता में कह रहा है कि दुखालय, इसे मैं दुख का आलय बनाया, दुख का भवन बनाया, इसमें किस्म किस्म के अनेक प्रकार के दुख मैंने भर करके रखा, और फिर भी इसी को लोग कहते हैं हम सुखालय बना करके रहेंगे, हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे, हमारा ये टारगेट है, हमारा ये है, हम 5 वर्ष में ये कर डालेंगे, 20 वर्ष में ये कर डालेंगे, तब तक करते करते योजना बनाने वाले ही चलेगा, समाप्त होगा। अब दूसरे लोग लगे हैं योजना पूरा करने, जो विश्व की रचना किया है वो सारी योजना भर दिया है दुख की यहां पर, कि ऐसे ऐसे दुख आते रहेंगे। मैं पहले विदेश से कोई बड़े व्यक्ति आते थे भारत में, तो भारत के बड़े बड़े लोग उनको दिखाते थे, कभी कभी देखिए हमारे देश में इतना बड़ा अस्पताल खुला हुआ है, बहुत अच्छा अस्पताल है, बहुत फैसिलिटी है, जो कुछ भी अस्पताल हो, चाहे कोई कह दे कि हमारे यहाँ बहुत भारी जेल है, तो इसलिए सिद्ध हो रहा है कि क्रिमिनल ज्यादा है, रोगी ज्यादा है, अस्पताल बता रहा है कि रोग है। तो संसार में कहीं भी जाकर के देखिए, हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये सब दृश्य सूचित करते हैं कि इस संसार में बहुत दुख है। इस पृथ्वी पर तो वह भी और ज्यादा दुख है, स्वर्ग की अपेक्षा पृथ्वी पर और अधिक दुख है, और प्रैक्टिकली पूछिए तो ब्रह्मा जी के लोक में कोई दुख नहीं है।
ब्रह्मा जी के लोक में या जन लोक मोहर लोक में ये कहीं दुख है, भागवत में लिखा गया है। ये दुख है कि वे लोग कभी कभी मनुष्यों पर विचार करते हैं तो उन लोगों के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि ये बेचारे कीड़े मकोड़े क्या कितने दुखी हैं मनुष्य, क्यों नहीं भगवान का भजन करते। देवता लोग केवल यही सोच करके मरते रहते हैं, उनको यही दुख है। मतलब ब्रह्मा जी के लोक में या जन लोक में जो ऋषि लोग रहते हैं उनको केवल यही दुख है। द्वितीय स्कंद भागवत में लिखा गया है, और कोई दुख नहीं उनको। पर क्या करें, मनुष्यों को दुखी देख करके भी बेचारे सोचते रहते हैं क्या किया जाए, कैसे कृष्ण भावना भावित सब होंगे, वे लोग सोचते रहते हैं। और संस्कृत के कवि ने कहा है कि यह अभी बहुत बड़ा दुख है कि कोई व्यक्ति दूसरे का दुख दूर करना चाहे परंतु दुख दूर करने की शक्ति न हो, तो यह अभी एक भारी दुख है। क्योंकि दूसरा जितना दुख से दुखी रहता है तो उसके दुख को देख करके भी अनुकंपी व्यक्ति दुखी रहता है, तो वो तो दुखी ही रहेगा, वो दुख दूर क्या करेगा, तो शक्ति ही नहीं है तो उल्टे वो भी दुखी हो गया। समर्थ व्यक्ति तो किसी दुखी का दुख दूर कर देगा, या नहीं कि केवल उसके दुख से दुखी हो जाए। यह अभी एक बड़ा गुण है पर दुख दुखी, लेकिन केवल दूसरे के दुख से दुखी होकर के रह जाना यही बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ऐसे हैं कि दूसरे के दुख को देख करके दुख दूर कर देते हैं, उनमें सामर्थ्य है, परंतु ऋषि मुनि ये लोग दूर नहीं कर पाते हैं। बेचारे अपने लोक से बड़ा चिंता में रहते हैं कि मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा, उद्धार होगा इनका, यही दुख है। तो मैं इसलिए अब बात कह रहा हूं कि जब ब्रह्मा जी और शिव जी कह रहे हैं कि हम जल रहे थे जैसे दमानल में हाथी जलते हैं, तो मनुष्यों की तो उससे बहुत ज्यादा दग्ध दशा है, जो कुछ बचा ही नहीं, बहुत दुख है इस संसार में। और सुख क्या है, भगवान का दर्शन, भगवान से भेंट होना, और भगवान में, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, भगवत कथा में भगवान में भेद नहीं है। इसीलिए इस दवानल में, संसार दवानल में, भव महादवाग्नि में गंगा जी की यदि शीतल धारा है तो यह भागवत की कथा है, भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जलते हुए हाथियों को बुलाना चाहिए कि पड़ो इस धारा में, अवगाहन करो, कुछ शांत हो जाओ। दुकान में और ऑफिस में और घर में जलते ही रहोगे, अगर शीतल होना है तब तो इस धारा में भाग लो, इस गंगा जी की धारा में, अन्यथा जो मरना है जलना है तब तो कोई बात नहीं। जहां भी दवानल तेज है वहीं लोग रहना चाहते हैं। भागवत में लिखा गया है कि अपना घर है दवानल है, पंचम स्कंध में लिखा है। मनुष्य जब अपने घर से बाहर रहता है तो सुखी रहता है, और घर में आते ही ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये कमी रह गई वो कमी रह गई, फिर जलना चालू हो जाता है। ये बच्चे पर क्रोध होता है, पत्नी पर क्रोध होता है, कभी ये चिंता वो चिंता, और घर से बाहर रहने पर तो राजा की तरह रहेगा, ठीक, कोई चिंता नहीं। दवाग्नि में जल रहे हैं हम सब लोग, तो यह है गंगा जी की धारा जो कृष्ण भावना की धारा है, भगवान के भक्ति की कथा की। ये तो कहीं भी किसी भी नगर में किसी भी गांव में किसी भी परिवार में इसको बहाया जा सकता है, और अपने परिवार में भी गंगा जी की इस धारा को ला करके और उसमें डुबकी लगा सकते हैं, भगवान का नाम जपे, भागवत पढ़े। यह देवताओं का उद्गार प्रस्तुत किया जा रहा है, भगवान का दर्शन करके भी इतने तृप्त हैं कि दर्शन से पूर्व की जो स्थिति उनकी है उसको वे दवानल कह रहे हैं, और भगवान के भक्ति के दर्शन को गंगा जी की शीतल धारा कह रहे हैं। अब इसे अधिक कोई क्या कहेगा, प्रत्येक जीव सुख चाहता है,
तो जो बड़े लोगों ने सुख प्राप्ति का उपाय बताया है और सुख के स्वरूप का जो निर्धारण किया है उसको स्वीकार करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवतम अनेक बड़े लोगों के वक्तव्य से उद्गार से भरा हुआ है। तो ब्रह्मा जी से बड़ा कौन हो सकता है? वे व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति में ही सब सुख है, बाकी तो जलना है, मरना है। हम लोग सुखी हो गए आज। विज्ञाप्यमशेष साक्षिणः, मानो भगवान ने कहा कि हे देवेश्वरों, आप मेरी स्तुति किए, चिरकाल से मेरी कामना किए, मुझसे मिलना चाहते थे, तो आप अपना अभिप्राय कहिए। आप क्यों मिलना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? तब देवगण कहते हैं, अशेष साक्षिण, हे कृष्ण, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के हृदय के साक्षी। हृदय में क्या संकल्प उठता है, विकल्प उठता है, उसके भी आप साक्षी, सब कुछ जानते। तो हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण लिए हैं समस्त लोकपाल, वह आप कीजिए। देवगण चाहते थे कि भगवान उनको कोई उपाय बताएं सुखी होने का, धन प्राप्त करने का, राज्य प्राप्त करने का, और दैत्यों को परास्त करने का, बलवान होने का। भगवान कोई उपाय बताएं, भगवान अपने श्रीमुख से जब उपाय बताएंगे तो वह उपाय फेल नहीं कर सकता है, विफल नहीं हो सकता है। देवगण तो आपस में मीटिंग कर रहे थे, इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, लेकिन कोई बुद्धि काम नहीं कर रहे थे। अतः वे भगवान से उपाय चाहते थे, इसलिए वे कह रहे हैं कि जगर्था, जिस अर्थ से, जिस प्रयोजन से हम आपकी शरण लिए हैं, हे नाथ, उसे आप बताइए, उसे आप कीजिए। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे, अरे आप चारों वेदों के विद्वान हैं और शिव जी इतने महान हैं, इंद्र हैं, आप लोग स्वयं ही अपनी बुद्धि से क्यों नहीं वो उपाय अन्वेषित कर लेते हैं, खोज लेते हैं? तब ब्रह्मा जी शिव जी कहते हैं, हम अहम गिरित्रस्त सुरादयो ये दक्षा दयोग्न रिवक्के तवस्ते, मैं ब्रह्मा और गिरित्र शिव जी प्राय पहाड़ में रहते हैं, पर्वत में रहते हैं, गिरी में रहते हैं, इनको गिरीश या गिरित्र कहते हैं। गिरी के त्राता, कैलाश के रक्षक, अथवा गिरीश जो पर्वत में शयन करते हैं, वास करते हैं, उनको गिरीश कहते हैं। तो मैं और ये गिरीश, ये शिव जी और सुरादयो ये, और अन्य भी जो देवगण हैं, इंद्र हैं, दक्ष आदि प्रजापति हैं, ये सब हम लोग एक चिंगारी की तरह हैं और आप एक अनंत प्रचंड अग्नि के समान, और हम लोग उसमें से निकले हुए स्फुलिंग के समान हैं, छोटी सी चिंगारी जैसे। आपने देखा होगा कहीं आग की ढेरी होती है तो कभी कभी कुछ चिंगारियां उड़ करके अग्नि से बाहर हो जाती हैं, और बाहर होते ही बस दो तीन सेकेंड में बुझ करके काला हो जाती है। अग्नि से युक्त रहती हैं तब तो उनमें दाहकता और चमक रहती है, लेकिन अग्नि से अलग होते ही सब। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोग, हम ब्रह्मा, हम शिव या इंद्र या दक्ष आदि प्रजापति, अन्य भी देवता, केतव, हम आपके केतु हैं। केतु का अर्थ है चिंगारी, स्फुलिंग, और आप प्रचंड विशाल अग्नि के समान, आप सूरज की तरह और हम लोग एक सूरज की किरण के समान। तो हम सब मिलकर भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हम क्या करें।
हम लोग आपसे अलग हो करके कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे अग्नि की चिंगारियां अग्निपुंज से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकती, क्या दाह पैदा करेंगे। जैसे आग में से एक कण को लेकर के और समुद्र में फेंकिए समुद्र को गर्म करने के लिए, तो उस समुद्र को गर्म क्या करेगा, वो अपना अस्तित्व ही खो देगा, समाप्त हो जाएगा। ये दशा बलम बलवताम चाहम तेजस तेजस्वी नाम हम, भगवान कृष्ण ही तेजस्वियों के तेज हैं, बलवानों के बल हैं, भगवान से अलग होकर के किसी में कुछ है नहीं वास्तव। और यह देवगण स्वयं ही अपने मुख से कह रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हम क्या करें, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब समर्थ हैं, आप कृपया करके हमें बताइए। ब्राह्मणों के लिए और देवताओं के लिए जो मंत्र है, जो हित की बात है, वो बताइए, अर्थात कहिए कि इदम कुरुता, यह करो। आप अपने श्रीमुख से बताइए हमको, डायरेक्ट कहिए कि यह करो। आप जब वो करने के लिए कहेंगे तो निश्चित हमारा उद्योग सफल होगा। देवगण भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान पर ही पूरा भार नहीं छोड़ रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि हे प्रभु आप ही सब कर दीजिए और हम चुपचाप बैठे रहें आराम से गांजा पीजिए, ऐसा देवता लोग नहीं कहते। हम आपके भक्त हैं, बस आप सारा कर दीजिए, हमको छोड़िए, खाकर सोने दीजिए, बाकी हमारे लिए आप ही सोला माला कर दीजिए, हमको तंग मत कीजिए। यह भक्त का विचार नहीं। यद्यपि सब कुछ भगवान करते हैं लेकिन भक्तों को लगाए रखना चाहते हैं। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे कुरुक्षेत्र में, और भगवान कहते हैं कि देखो मैं ही सब कुछ हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो अर्जुन ने कह दिया जब सब कुछ आप ही करते हैं तो हमको क्यों घोर युद्ध में लगा रहे हैं। प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखे हैं कि अर्जुन मानो ये कह सकते थे कि हे कृष्ण आप भगवान हैं, आपकी शक्ति अप्रतिम है, आप इन सब कौरवों को मेरे प्रतिपक्षियों को मार दीजिए और हमको आराम करने दीजिए, एकांत में रहने दीजिए। और आराम करना भी चाहते थे कि हिमालय में जाकर के ध्यान करें, भिकमंगा हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं लड़ो, मैं सबको मार चुका हूं लेकिन फिर भी तुमको लड़ना है। भगवान का ये स्वभाव है, भक्तों को आलसी नहीं बनने देते। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भगवान श्रीराम जब लंका जा रहे थे तो बीच में समुद्र पड़ा, समुद्र पर सेतु का निर्माण करना था, तो भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से एक बाण चला करके भी सारे पर्वतों को ला करके पुल बना सकते थे, लेकिन बानरों को उन्होंने खूब लगाया काम में, चलो ढो पहाड़ ढो ढो करके लाओ, सब लगे रहे। बड़ा अच्छा लगता है, भगवान चाहते हैं कि सब एक्टिव रहे, काम धंधा होना चाहिए। भगवान है ये नहीं चाहते हैं कि साधु महात्मा खा खा करके सोवे और ये करें वो करें, चाहते हैं काम करें। देवगण भगवान के इस स्वभाव को जानते थे, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आप उपाय बताइए कि हम क्या करें। भगवान को ये लोग नहीं कह रहे थे कि आप ही कर दीजिए जो करना है सब। उपाय बताइए, जो ब्राह्मणों के लिए देवताओं के लिए हितकारी बात है वो बताइए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विरिंचा दुहरी वितस्तद विज्ञाय पेशान हृदयम तथैव जगाद जीमुत गंभीर या गिरा बद्धांजलिन संवृत सर्वकार का। भगवान ने जब सुना प्रस्ताव वाक्य देवताओं का तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनके हृदय को समझ गए, हृदयम तथैव, इनके हृदय में क्या है, इनके हृदय में यही है कि मैं कोई उपाय बताऊं, भले वो काम कठिन पड़े लेकिन मैं जब उपदेश करूंगा तो इनको आश्वासन होगा कि वो काम सफल होगा।
तो भगवान जीमूत गंभीर आया गिरा, जीमूत का अर्थ मेघ, मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। भगवान जब बोलते थे तो उनकी आवाज मेघ के समान फैलती थी और मधुर। मेघ से यह तात्पर्य यह भी है जैसे जलते हुए वन पर बादल वर्षा करके उसको हरा भरा कर देता है, वैसे भगवान का बोलना देवताओं को हरा भरा करने वाला था, उनको बहुत बड़ी सांत्वना मिलने वाली थी। और दूसरी बात यह है कि देवता बहुत संख्या में थे, करोड़ों देवता थे, इसीलिए सबके सुनने के लिए जब तक मेघ गर्जन के समान नहीं बोला जाएगा तो कैसे सुनाई पड़ेगा, सब जगह माइक साइक नहीं लगाना पड़ता है। भगवान को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है लाउड स्पीकर लगाने की, जैसे बादल जब गरजता है तो वहां से लाउड स्पीकर पर नहीं गरजता है, चारों तरफ सुनाई पड़ता है बादल का गर्ज, मेघ गर्ज। भगवान की वाणी मेघ के समान शीतल करने वाली है, सुखद है और गंभीर। जिमूत गंभीर या वाणी में भगवान बोले। अब तक तो देवता भगवान का सौंदर्य देख रहे थे, अब भगवान के परम मधुर वाक्यामृत को कपान करना चालू किए। तो भगवान बोले और देवता सब समृत सर्वकार कान समस्त इंद्रियों को बिल्कुल सावधान किए थे, हाथ जोड़े थे, कान को सावधान किए थे, आंखों से देख रहे थे, और कहीं बाह्य वृत्ति देवताओं की नहीं थी, भगवान के वाक्य को बड़े ध्यान से सुनना चाहते थे, इसीलिए समस्त इंद्रियों को समाहित कर लिए, एकाग्र कर लिए। तो एक एवेश्वरस तस्मिन सुर कार्जे सुरेश्वर, वास्तव में सुर कार्जे देवताओं के कार्य के विषय में, जो देवताओं को क्या करना चाहिए, क्या कर कैसे हित होगा, या समुद्र मथन आदि में, एक एव ईश्वर, भगवान अकेले ही पूर्ण समर्थ हैं। अकेले पर्वत ला सकते थे, मथ सकते थे, किसी को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विहर्त काम स्थान समुद्र मथन आदि, भगवान विहार करना चाहते थे देवताओं के साथ और दैत्यों के साथ मिलकर, भगवान कुछ विहार करना चाहते थे, खेल करना चाहते थे। वैकुंठ में भगवान को कोई मेहनत करने को मिलती नहीं, कोई वहां परिश्रम नहीं है भगवान को। यह नहीं समझना चाहिए कि परिश्रम नहीं है तो भगवान को भारीपना का अनुभव होता होगा, वहां सब कुछ फ्रेश है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, सब शक्ति का विलास। लेकिन तथापि भगवान की यह इच्छा होती है कि मैं कभी कभी बड़ा बड़ा काम करूं प्राकृत जगत में। तो विहर्तु काम, विहर्तु काम का अर्थ विहार करने की इच्छा। विहार का क्या अर्थ है? विहार का अर्थ होता है अपनी स्वच्छंद इच्छा से कुछ आनंद का अनुभव करना। तो क्या भगवान में आनंद की कमी हो रही थी? कमी नहीं हो रही थी, तथापि भगवान में, क्योंकि भगवान की इच्छा भी भगवान जैसा ही विशाल होती है, कई प्रकार का सुखानुभव भगवान करना चाहते थे। अब तक केवल मुकुट सिर पर बांधते थे तो, लेकिन भगवान को इच्छा हुई कि कभी पर्वत उठा करके देखो। लेकिन अब वैकुंठ में तो उठा नहीं सकते थे, कोई भक्त उठाने नहीं देगा उनको। कभी कभी तो भक्त मुकुट को ही समझते यही भारी है, इसलिए हल्का मुकुट लगाओ, इतना कोमल भगवान है कि मुकुट का भार नहीं सह सकेंगे। वृंदावन में तो उनके सखा सोने का मुकुट लगाने पर उसको उतार कर फेंक देते हैं कि ये पत्थर नहीं ढोए गए, जो फूल फूल से अवतंस बनाते हैं, मुकुट बनाते हैं। कृष्ण इतना कोमल है कि वे मुकुट का भार वास्तव में नहीं सह सकते। एक भक्त ने कहा कि भगवान पर सुंदरता का इतना भार है कि उसी को नहीं संभाल पाते हैं, और भार क्या ढोएंगे। इतना अधिक सुंदरता उन पर लादी गई है, उनमें है वास्तव में,
कि उस सुंदरता के कारण वे तीन जगह टेढ़े हो जाते, झुक जाते हैं, त्रिभंग ललित कहलाते। कृष्ण क्यों तीन जगह से टेढ़े हो गए हैं? क्योंकि सुघराई का, सौंदर्य का अतिशय भार उनके ऊपर, उसको संभाल नहीं पाते, इसीलिए झुक करके चलते हैं। तो बहुत सुंदर उपेक्षा एक भक्त ने किया है। और इस बार मन में हो गया कि पर्वत उठाने, एक बार तो संपूर्ण पृथ्वी को दांतों पर लेकर के आए थे, लेकिन थोड़े काल के लिए लेकर आए थे, अब इच्छा हुई कि पीठ पर खूब भारी पर्वत रगड़ा जाए हमारे। समुद्र उन्मथन आदि भी विहार करना चाहते थे, और भगवान को पुरुष, परम पुरुष, आदि पुरुष सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। भगवान ने सोचा कि अरे मैं पुरुष ही नहीं हूं, मैं स्त्री भी हूं, देखो कैसी स्त्री हूं। भगवान स्त्री बनने के लिए व्याकुल थे, उनकी इच्छा थी कि मैं जरा स्त्री बन करके स्त्री जैसी चेष्टा करूं, हंसना चलना ये सब उनकी इच्छा मन में थी। कोई अवसर नहीं मिलता था तो वे सोच ली बहुत पहले कि हमें मोहिनी बनना है, हमें पर्वत धारण करना है, समुद्र मंथन करना है, अपने भक्त देवताओं के साथ तथा दैत्यों के साथ मिलकर के विहार करना, ये काम करना, उद्योग करना, कमाना, अमृत उत्पन्न करना। भगवान चाहते थे इन सब कार्यों में सुख लेना। तो विहर तु काम ताना, विहार करने की इच्छा से देवताओं से इस प्रकार बोले, अन्यथा वे तो एक एव ईश्वर, अकेले ही सर्व समर्थ थे, ईश्वर का थे समर्थ, वो समर्थ थे कि कस्मिन सूर कार्य तस्मिन, सूर कार्य में देवताओं कार्य में समर्थ थे, लेकिन भगवान विहार करना चाहते थे, इसलिए वे इस प्रकार बोले उनसे। श्री भगवान वाच, सुंदर भगवान बोले, हंत ब्रह्मन अहो शंभो हे देवा मम भाषितम श्रुता वहिता सर्वे श्रेयो वह स्याजथा सुरा। श्री भगवान ने कहा, सबसे पहले संबोधन किया, हंत ब्रह्मन हे ब्रह्मा जी, और अहो शंभो हे शंभो, शिव जी का एक नाम है शंभु, भगवान कह रहे हैं हे ब्रह्मा जी, हे शंभो और हे देवा, हे देवताओं, मम भाषितम श्रुत, मम भाषितम मेरे भाषण को, मेरी बात को श्रुत सुनिए, अवहिता है समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के और आप लोग शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। कुछ देवता भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, भगवान को एकाएक आंख के सामने देख करके कुछ लोग वर्णन कर रहे थे, अरे कैसी आंख है, बाहें कितनी सुंदर हैं, ये है, आप देवता से वर्णन कर रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा इसमें चुप हो जाइए, सुनिए सुनिए, समाहित हो जाइए, बोलिए मत, मन को एकाग्र कीजिए, मम भाषितम श्रुता, मेरे भाषण को सुनो, अवहिता समाहिता सावधान होकर। और फिर सुरा कह रहे हैं, यह सुरा शब्द से अभिप्रेत है, जैसा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि सुरा शब्द से तो मुख्य मुख्य देवताओं का वाचक है, और अन्य देवा से तात्पर्य गंधर्व आदि सब जो वहां जुटे हुए थे, हे देवताओं इंद्र आदि, और हे गंधर्वो, हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, आप सभी मेरी बात को सावधानी से सुनिए, मैं वह बात बताने जा रहा हूं जिससे आपका श्रेय होगा। वह श्रेय, वह का अर्थ है आपका, आपका जिस बात में श्रेय है, कल्याण है, मैं बता रहा हूं, भगवान बता रहे हैं। जातो, सबसे पहले भगवान ने कहा जाओ जाओ, जातो दानव दैत्य तावत संधिर विधेयता काले नानु गृहित स्तर जावद भव आत्मना। आप जाइए और दैत्यों से और दानवों से संधि कीजिए, संधिर विधेयता,
संधि की जाए। संधि का अर्थ होता है मिलाप, जाइए सहकारी समिति बनाइए दैत्यों के साथ, दैत्यों से पीड़ित होकर के तो भगवान की शरण में आए थे और भगवान प्रथम बार बोले तो कहते हैं दैत्यों के पास जाओ। दैत्य का अर्थ है दिति की संतान और दानव का अर्थ है दनु की संतान। दनु भी एक स्त्री थी कश्यप जी की, तो उसके संतान को दानव कहते हैं, और दिति भी एक स्त्री थी तो उसके संतान को दैत्य दैत्य कहते। तो जाओ दैत्यों से और दानवों से संधि करो। भगवान अजीब बात बता रहे हैं, अद्भुत बात बता रहे हैं। ऐसा कभी देवताओं ने सोचा भी नहीं था कि हमको भगवान यह बात कहेंगे, लेकिन भगवान पहले ही कह रहे हैं कि वह श्रेय यथाश्रय आपका जिसमें कल्याण होगा वो बात मैं बता रहा हूं, आप लोग जाइए और संधि कीजिए। तो देवताओं ने कहा यह सदा के लिए संधि, उनके साथ कलह सब मिटा लिया जाए, वो तो बहुत बदमाश है, वो तो खल है, उनके साथ कैसे संधि चलेगी, कब तक के लिए संधि करें। तब कहते हैं तावत संधि विधियताम, तब तक के लिए संधि कीजिए जावद ओ आत्मनः भव, जब तक आपकी वृद्धि अपने आप नहीं होने लगती है तब तक। एक समय आएगा कि उस समय आपकी वृद्धि होगी, भव आकार से वृद्धि समृद्धि, आपकी वृद्धि होगी आत्मन स्वतः अपने आप आपकी वृद्धि होगी, आप लोग फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे। तो जब तक वह समय नहीं आ जाता है तब तक संधि कर लीजिए। क्यों संधि करें उनसे, क्योंकि कालेन अनुग्रहित स्थिति, काल के द्वारा वे अनुग्रहित है, इस समय काल की कृपा है, अथवा काव्य न अनुग्रहित है। काव्य का अर्थ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का अनुग्रह है दैत्यों पर। तो तब तक के लिए संधि कर लीजिए, कोई बात नहीं। देवताओं को यह करना आसान नहीं था, कठिन पड़ रहा था, इसलिए भगवान ने काल की सीमा बांधी तावत और यावत, जब तक आपकी समृद्धि का दिन नहीं आ जाता है तब तक के लिए संधि कर लीजिए, जाइए संधि विधियताम। तो सब देवता अब तो कसर मसर करने लगे, तो भगवान ने कहा कि जाकर दैत्यों से संधि कर लो, तो अब तो इनके समझ में बात आ नहीं रही थी। ऐसे खलों के पास, दुष्टों के पास, और हम जाए संधि करने के लिए, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान नीति का उपदेश कर रहे हैं, अरयोपि ही संधे या सती कार्यार्थ गौरवे। देखो देवताओं, अरयोपि ही संधे या, शत्रुओं से भी संधि करनी चाहिए। भगवान नीति विशारद है ना, नीति सिखा रहे हैं। समय पड़ने पर सती कार्यार्थ गौरवे, कार्यार्थ गौरवे, जब कोई बहुत बड़ा काम बनाना हो और बिना संधि किए शत्रु से वो काम न होने वाला हो, तो शत्रु से संधि करके अपने काम कर लेना चाहिए। आखिर कार्य से तात्पर्य है ना, कार्यार्थ गौरवे सती, जब बहुत बड़ा काम सधने वाला हो शत्रु से मेल करके, तो उससे मेल कर लेना चाहिए। फिर भी देवता सब प्रसन्न नहीं थे भगवान की बात सुनकर, परंतु भगवान ऐसे उपदेश कर रहे। पहले वो लोग कह रहे थे कि हमारे हित के लिए आप कुछ कहिए, उपाय बताइए, ये कीजिए, तो भगवान कह रहे हैं कि जाओ दैत्यों से संधि करो, और अब नीति बता रहे हैं कि शत्रुओं से भी संधि करनी चाहिए। यदि बहुत बड़ा कार्य हो और हमारे प्रयास से वो कार्य न सधने वाला हो, शत्रु से मिल करके अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल करके अगर पूरा करना हो तो कर लेना चाहिए।
एक से काम होने ही वाला नहीं है तो क्या करेंगे, ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, अनेक कंपनियां मिल करके और कोई कोई कार्य करती। यद्यपि कभी कभी इंटरप्राइजेज एक दूसरे को विरोधी होते हैं लेकिन फिर भी मिलाना पड़ता है। परंपरा से जो विरोधी थे स्वभाव से ही उनसे मेल करने के लिए भगवान कह रहे हैं। भगवान की बात बहुत उपयुक्त है कि अरयोपि ही समझे सती कार्यार्थ गौरव, और भगवान कह रहे हैं कि बाद में मेल मत रखना बाद में तुम लोग वो व्यवहार करना उनके साथ जब तुम्हारे विकास का उन्नति का समय आ जाए और काम हो जाए उनसे मेल करके, तो बाद में उनके साथ वही व्यवहार करना जैसे पेटारी में बंद सांप ने चूहे के साथ मूसिक के साथ व्यवहार किया था। भगवान कपट का उपदेश कर रहे हैं बाद में उनको मार देना, खाज खत्म कर देना, तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी उनसे काम लेकर के और उनको फिर बाद में मारना, इस तरह से कपट का उपदेश कर। जब भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर, समझा रहे थे और कह रहे थे कि शकुनी ने कपट किया है, कपट किया है, तो शकुनी ने कहा था कि आप देवताओं को कपट नहीं सिखाए थे कपट का प्रवर्तन तो आप ही किए हैं ना, जाओ मेल करो, जब काम निकल जाए तब उनको मार देना। तो भगवान एक दृष्टांत दे रहा, अहि मूषक वक्त, अहि का अर्थ है सांप और मूषक का अर्थ है मूस चूहा। एक कथा है, एक बार एक पिटारी में सांप और चूहे दोनों बंद हो गए, संजोग की बात, दोनों बंद हो गए तो सांप के लिए तो यह बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि भोजन मिल जाएगा, चूहा उसके लिए तो मूसिक बंद था, तो सोच लिया कि मूसिक को खाना है, हमें भोजन करना है, भूख से जीभ लपलपा रहा था सांप, मन में आया कि खाऊं, लेकिन उसने कुछ बुद्धि से काम लिया, उसने सोचा कि यदि मैं सांप को अभी खा लेता हूं तो फिर भी मैं तो बंधन में ही रह जाऊंगा, तो मूसिक में एक गुण है कि उसको दांत ऐसा मिला है कि वो पिटारी में छेद कर सकता है, बिल बना सकता है, छेद कर देगा तो इससे निकल जाएंगे और निकलने से पहले या निकल करके मैं इसको खा भी जाऊंगा, लेकिन इसे काम करा लेना चाहिए। तो सांप क्या कहता है, हे मूषिक बंधु, आप तो हम पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं मूस को खा जाता हूं, लेकिन इस समय हम दोनों व्यक्ति विपत्ति में, बहुत भारी संकट में, दोनों को मरना पड़ेगा, इसलिए आज से मैं अपना स्वभाव त्याग रहा, अब दोनों हम लोग मित्र हो गए, अपना स्वभाव बिल्कुल त्याग रहा हूं, मैं अब आपको नहीं खाऊंगा, ऐसे खाना होता तो अभी खा जाता आपको, लेकिन क्या करूंगा खा करके, नहीं हमको दया आ रही है, हम भी कैदी हैं, आप भी कैदी हैं, तो एक काम कीजिए, मैं अपना स्वभाव छोड़ रहा हूं, मैं आपको नहीं खा रहा हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम कर रहा हूं, रियली आई लव यू, मैं आपसे बिल्कुल प्रेम कर रहा हूं, सब तो भगवान जानते होंगे मेरे हृदय को, तो आप ऐसा काम कीजिए कि इस पिटारी में छेद कर दीजिए और हम दोनों निकल जाए। मूस का वो सांप यही सोचा कि पहले छेद करवा लूं इसके बाद खा करके निकल जाए, तो छेद होने लगा, नहीं छेद करने के पहले वो मूसिक बोला कि पिटारी का जो कोमल मुख है वो ऊंचा पड़ रहा है, मैं उसको काट नहीं सकूंगा, तो सांप कहा कि ऐसा कीजिए आप हमारे फण पर चढ़ जाइए, यहां से चढ़ करके आप आसानी से कतर दीजिए पेटी के मुख को, तो उसने कहा हाँ ये तो है, तो सांप चढ़ाया अपने फण पर चूहा को, मूस को, और मूस छेद कर दिया,
सांप कहता है फोड़ा काटने के बाद कि आप तो छोटे शरीर वाले हैं, अब निकल जाएंगे, मेरा बड़ा शरीर है, छेद को नापने दीजिए पहले, मैं नाप लूं कि मेरे निकलने भर हुआ कि नहीं। तो सांप निकल गया, निकल करके और पेटारी के मुख छिद्र के पास अपना मुख फाड़ करके ऐसे हो गया और कहा कि हे मूसिक बंधु निकलिए, अब निकलिए यार। तो छेद करा लिया और मुंह से निकला, बस गप से खा गया उसको जान समाप्त। तो भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं कि दैत्यों से काम करा लो और जब काम हो जाए तो उनको मार पीट करके समाप्त कर दो, ये कहने का आशय है, उनका वध कर दो। ये जब बात भगवान ने कहा तब देवताओं को बहुत पसंद पड़ी बात, हाँ ये ठीक। यह संसार राग द्वेष पर ही चल रहा है, भगवान को भी आकर के यहां ये सब नीतियां बतानी पड़ती है। तो अही मूषक न्याय कहते हैं इसको संस्कृत में, यर्थस्य पदवीं गतई, अर्थस्य पदवीं गतई। जब आप लोग सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे, अर्थात जब आपका काम बन जाएगा, तो दैत्यों के साथ वही व्यवहार कीजिएगा जो सांप ने मूषक के साथ व्यवहार किया था। इस तरह भगवान अपने आश्रित जनों को सिखा रहे हैं। नीति जानना भी बहुत आवश्यक है, इस संसार में बहुत भोला भला बनकर नहीं रहना चाहिए, जीने के लिए प्रचार के लिए बहुत बहुत नीतियों की आवश्यकता होती है। भगवान अपने भक्तों को सिखा रहे हैं नीति। तब देवताओं ने पूछा, ठीक है हम संधि करेंगे, जब तक काल अनुकूल नहीं आ जाता हम उनके साथ संधि करके काम कौन करना है ये तो बताइए, क्या करना है उनके साथ संधि करके। तब भगवान कहते हैं, अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम जस पीतस वैजंतुर मृत्यु ग्रस्तो मरो भवेत। उनके साथ मिल करके जो जो कार्य करना है वो सुनो, अमृत उत्पादने यत्न क्रियताम, अमृत उत्पन्न करने का उद्योग करो, परिश्रम करो उनसे मिल करके, अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम। और भगवान ऊपर से एक शब्द है अविलंबितम, और इस कार्य में विलंब नहीं करना है, शीघ्र ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करो, उद्योग करो। तो देवता ने कहा ये अमृत क्या होता है, जस पीतस वही जंतु मृत्यु ग्रस्त अमरो भवित, अमृत एक ऐसा तरल द्रव्य है कि उसको पीने के बाद फिर व्यक्ति बहुत काल तक मरता नहीं, अमर हो जाता है। अमर का ये तात्पर्य नहीं है कि वो कभी नहीं मरेगा, यहां अमर का केवल इतना ही अर्थ है कि बहुत काल तक जीवित रहेगा, एक्सीडेंट में नहीं मरेगा, रोग से नहीं मरेगा, किसी के मारने से नहीं मरेगा, लेकिन काल के द्वारा तो सभी मार दिए जाएंगे। तो देवताओं को अमर कहा जाता है, क्योंकि देवताओं के यहां कोई रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट या हॉस्पिटल में मरना या कलरा से या ये सब नहीं, वहां रोग है ही नहीं, ऐसा नहीं कि असमय में कोई मर जाए, सबके पद छोड़ने का टाइम निश्चित है। तावत स्वर्गे प्रमोद देते जावत पुण्यम समाप्त, तब तक सभी जीव स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनका पुण्य समाप्त नहीं होता है, तो उतने समय तक तो बिल्कुल सेफ है। पर मनुष्य लोक में तो कोई ठीक नहीं है कि कब कौन बीमार पड़ जाएगा, कब मर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको मर कहते, मर्त्य कहते, मर्त्य का अर्थ ही होता है मरने योग्य। और देवताओं को अमर्त्य या अमर कहते, तो अमर तो पहले से ही थे उस हिसाब से स्वर्ग के दफा से,
लेकिन अमृत पीने पर वे और अधिक दीर्घजीवी हो जाएंगे और किसी के मारने से नहीं मरेंगे, विजयी होंगे युद्ध में। यहां यह अर्थ है, यह अमृत की विशेषता है। तो उस अमृत को प्राप्त करने का प्रयास करो, उद्योग करो। कहां प्राप्त करें? सबसे पहले उद्योग करने के लिए स्थल चाहिए ना। तो देवताओं ने कहा कि वो अमृत कहां मिलेगा, किस स्थान में और कैसे प्राप्त करें हम, ये उपाय बताइए। तो भगवान कहते हैं, छिप्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरु त्रिलतौषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकीम। स्वर्ग में जितनी भी शुभ लताएं हैं, औषधि हैं, तृण हैं, उनको लेकर के आप लोग क्षीर समुद्र में डालिए। तो साइट भगवान ने बताया क्षीर समुद्र, उद्योग करने या स्थल का पता चला कि क्षीर समुद्र में एक उद्योग करना है और उसमें पूंजी लगानी है, औषधि शुभ लता सब डालना है, तृण आदि घास डालना है समुद्र में, क्षीर समुद्र में। और क्षीर समुद्र में ये सब वस्तुएं डाल करके और मंदर पर्वत को मंथन दंड बना करके और उसमें वासुकी नाग को नेत्र मतलब रज्जू बना करके और मत्थ। अरे बाप, इतना भारी काम भगवान ने बताया। पर्वत लाओ, मत्थ पर्वत कहाँ है मंदराचल और क्षीर समुद्र कहाँ है, लाने में ही देवता मर गए। ये कथा आएगी, तो मथते क्या ये भगवान इस तरह विहार करने चाहते थे तो ठीक है लाओ। तो क्षीर समुद्र स्थान बताए और तीर्ण औषधि और लताएं डालने के लिए कहे। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रसंग पर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि दूध में यदि जड़ी बूटी लता सुंदर घास पत्ता डाल करके उसको अगर मथा जाए तो नवनीत की तरह अगर जो सार निकलेगा वही अमृत लगता है इस प्रसंग से। दूध को मथा जाए कुछ जड़ी बूटियों के साथ तो जो निर्यास होगा वो है अमृत। श्रील प्रभुपाद जी एक उपेक्षा कर रहे हैं, नहीं तो एक कल्पना के बाद है अमृत है क्या। तो भगवान ने एक प्रैक्टिकल थोड़ी सी झलक दिखाई कि अमृत ही है। तो दूध तो अपने आप में अमृत है ही और उसमें भी माखन निकले तो वह अमृत है, लेकिन वह माखन यदि विशेष जड़ी बूटी के साथ मथा हुआ निकले तो वो व्यक्ति को निरोग करता है, बहुत दिन जी सकता है। भगवान ने इस तरह से कहा, मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदर पर्वत है यह स्वर्ग लोक में है और इसकी ऊंचाई है 10,000 जोजन। और यह पर्वत पूरा सोने का पर्वत है, उसमें पत्थर सत्थर नहीं है। हम लोगों के लोक में जो पर्वत हैं उनमें पत्थर है माटी है, ऐसा पर्वत तो नहीं, सोने का पर्वत, बहुत सुंदर बहुत भारी और उतना ही दीर्घ चारों तरफ फैला हुआ है, अपने बीच से चारों तरफ जितना ऊंचा है उसी को लाना। तो मंदरम कृत्वा, कृत्वा शब्द से भगवान ये कह रहे हैं कि जाइए आप लोग मंदराचल को उठाकर लाइए और बस वासुकी नाग को रस्सी बनाई और मथिए, इससे अमृत निकलेगा। देवता ने कहा कि अरे वासुकी कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा कि सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा सा अमृत में उनको भाग देने का वादा कर लीजिए वो तैयार हो जाएंगे। उनको खींचा जाएगा पर्वत में फंसा करके, लेकिन वो अमृत के लोभ से वो सांप स्वीकार कर लिया,
वासुकी भगवान की एक विभूति है। सर्पाणाम वासुकिश्चाह, मैं सर्पों में वासुकी हूं। सबसे बड़े लंबे शरीर वाले वे हैं और शरीर की मोटाई कई हजार योजन में है। मोटाई रस्सी इतनी मोटी पड़ी है भगवान के द्वारा बनाई संसार में, उतनी बड़ी रस्सी कहां मिलेगी और उतनी मजबूत। तो वासुकी नाग को भगवान ने स्वयं ही संकेत देवताओं को कहा कि उनको राजी कीजिए। तब देवताओं ने कहा यदि दैत्यों से मिल करके हम लोग अमृत मंथन करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे और अमृत निकलेगा, तो वे लोग तो पहले से ही बलवान है, तो वही पी जाएंगे और वे अमर हो जाएंगे। तो ऐसा कार्य हम लोग क्यों करें, हम मेहनत करेंगे और वो तो मारपीट करके छीन कर पी जाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, सहायेन मया देवा निर्मम तद्वमतम देता। देवता लोग तैयार नहीं हो रहे थे, कहे नहीं नहीं ये कार्य हम लोग नहीं करेंगे, अगर एक तो होगा नहीं, इतना बड़ा कार्य हो नहीं सकता हम लोगों से, अगर हो भी जाए तो अमृत तो जाएगा उनके भाग्य में, दैत्यों के भाग में, हमको तो मिलेगा नहीं। तो भगवान ने एक बात कहा कि सहायेन मया देवा निर्मम तद्वमतम, मेरी सहायता से तुम लोग मत हो, मैं सदा साथ में रहूंगा, तब देवताओं को आश्वासन मिलेगा। ठीक, जब भगवान रहेंगे तब तो हम लोगों को अमृत मिलेगा और दैत्यों को नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर, उनकी बुद्धि पर, चलाकी पर उन को पूरा विश्वास है। भगवान रहेंगे तब कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि मया सहाय न मया, मैं सहायक रहूंगा, साथ में रहूंगा। तो भगवान सहाय नहीं थे उस समुद्र मंथन में, वास्तव में भगवान सहायक नहीं थे, वही मुख्य थे, सहायक देवता थे। लेकिन भगवान कितनी नम्र भाषा में बोल रहे हैं, मैं भी सहायता दूंगा वहां सारा कार्य तो भगवान करने वाले हैं। लेकिन देखिए, बोलना सीखना चाहिए भगवान से, कैसे बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं भी सहायता करूंगा, वहां रहूंगा। तो क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्य युयम फल ग्रह, दैत्यों को केवल क्लेश मिलेगा, समुद्र मंथन में जितना भी कष्ट है सब उनके भाग्य में रहेगा और फल आप लोगों को मिलेगा। फल का अर्थ है अमृत, अमृत आप लोगों को मिलेगा और उन लोगों को केवल क्लेश मिलेगा। अब तो विश्वास हुआ ना, मैं रहूंगा। भगवान बड़े स्नेह से बोल रहे थे अपने भक्तों से, मैं साथ में रहूंगा। यदि भगवान साथ में नहीं होते तो दैत्य तो क्या नहीं कर जाते वो अमृत का कलश छीनकर भाग गए थे और वही भगवान के हाथ से ही छीनकर भागे थे। आगे कथा आएगी कि भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए समुद्र की लहरों पर, ऐसे लेकर के प्रकट हुए और उस पर लिखा था संस्कृत भाषा में, देवनागरी में, अमृतम। और उसको देखते ही असुर मथना छोड़ करके और झपट करके चले भाग। लेकिन भगवान ने ऐसी माया किया कि वे लोग भी पी नहीं पाए। जो बलवान था वो दुर्बल से छीन लेता था, फिर उसे वो छीन लेता था, वो कहता था पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, आपस में भी कलह हो गया। देवताओं से तो लेकर के वो भागे ही, आपस में भी जो कहता था, बाप था वो कहता था बेटा से मैं पहले पीऊंगा, बेटा कहता था तुम पी कर क्या करोगे, तुमको तो दो चार साल में मरना है, हमको पीने दो। कोई कहता था तुम केवल खड़ा था, जोर नहीं लगा रहा था मंथन में, मैं मर गया मथते मथते, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, आपस में झगड़ा हो गया। तो अमृत का कलश एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण करता हुआ चल रहा है, पी नहीं पाए। और तब तक मोहिनी को देखे, और जब मोहिनी को देखे तो कहे कि अरे ये अमृत पीकर क्या होगा, ये महा अमृत क्यों नहीं पी रहे हो, देखो इस अमृत के आगे इसकी क्या कीमत
इसी में सब रह गए और भगवान मोहिनी अवतार धारण करके वो अमृत का कलश फिर हाथ में ले लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सु कदाच, फल फिर कृष्ण के हाथ में आ गए। और आया तो ऐसे ट्रीक से भगवान ने कहा, हाँ ठीक है आप लोग जो अपने आदमी हैं वो लोग अलग लाइन में बैठिए, जो दैत्य हैं जो हमारे आदमी, ऐसा ट्रीक से बोल रही थी, और देवताओं को थोड़ा किनारे बैठाइए अलग अलग। और मोहिनी ने ऐसा इशारा किया कि इन लोगों को थोड़ा ऊपर का जो बिल्कुल छिछला भाग है जिसमें ज्यादा जल है अमृत कम है वो मैं एक आध बूंद इनको दे देती हूँ और इनको भगाती हूँ और आप लोगों को पेंदी में बैठा हुआ माल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है दे, हटाओ हटाओ भगाओ उनको ऐसा भाव व्यक्त किया भगवान अभी से कह दिए कि दैत्यों को केवल क्लेश मिलेगा, क्लेश भागो भविष्यं की दैत्य, दैत्य केवल क्लेश के पात्र बनेंगे भाजन, और जूयम फल ग्रह, और आप लोग फल पाएंगे चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो लोग तो आप ही दुराग्रही हैं और हैं बलवान। तो देखो मेरे भक्तों, जब किसी बलवान व्यक्ति से सहकारिता करनी हो, उसका सहयोग लेना हो, तो बलवान व्यक्ति के आग्रह को शर्त को स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके शर्त को यदि स्वीकार नहीं किया गया तो सहयोग देगा ही नहीं, क्या करोगे। इसलिए यूयम तद अनुमोदध्वम, आप उनकी प्रत्येक बात का अनुमोदन कीजिए, वो जो कहें कि ऐसा हम करेंगे ऐसा हम करेंगे हम ही करेंगे। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि देखिए उन लोगों को मुख पकड़वाना है सांप का, वासुकी का, तो यदि हम लोग पहले मुख पकड़ेंगे तो वे जरूर कहेंगे कि नहीं हम मुख पकड़ेंगे, हम इस सांप का पूछ क्यों पकड़ेंगे, शौच पेशाब करने वाला अंग हम थोड़े पकड़ेंगे, हम इतने बड़े विद्वान हैं उच्च कुल के हैं ये हैं वो हैं। अगर वे कहें कि हम मुख पकड़ेंगे तो तुम लोग जिद मत करना, कह देना ठीक है आप लोग मुख पकड़ लीजिए, कई बात उनकी माननी होगी। भगवान ने एक तद अनुमोदन, उन्होंने कहा जो वे कहें मान लेना, मैं हूं ना, फल तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन वो लोग जो भी कहें तुम मान लेना, चिंता मत करना। यूयम तद अनुमोदध्वम जद इच्छन्ति असुरा सुरा, हे देवताओं जो असुरा इच्छन्ति जो इच्छा करो मान लेना। यहां तक कि समुद्र से बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होंगी, अगर किसी वस्तु को वे लेना चाहें तो तुम लोग छोड़ देना, तुम लोग मत चाहना। भगवान आगे बता रहे हैं यही नीति है वास्तव में संसार में। मान लीजिए आप किसी बलवान से धनवान से सहकारिता चाहते हैं सहयोग चाहते हैं तो उसकी शर्त को माने बिना वो सहयोग देगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को सहायता देता है, यह भी एक नीति है व्यवहारिक नीति, स्वीकार करना चाहिए। तो तुम लोग अनुमोदन करना। और भगवान कह रहे हैं कि न सरम भेड़ सिद्ध्यंती सर्वेथा शांत वाया, शांति रखने से जितना कार्य बनता है सधता है, कलह करने से क्रोध करने से काम नहीं बनता है देवताओं। और तुम लोग कहोगे कि हम भी मथे हैं तो हम ये लेंगे, या मान लो अगर वो लोग कहेंगे कि हम मुख पकड़ेंगे तो तुम लोग ये जिद मत करना कि हम कुछ नहीं पकड़ेंगे, हम भी मुख पकड़ेंगे, क्या हम कोई दूसरे खानदान के हैं क्या, क्या हम कश्यप जी के दयाद नहीं है, ऐसा हो सकता है झगड़ा। भाई यही झगड़ा तो यही होता है ना कि हम भी बड़े हैं तुम भी बड़े हैं, हम क्या तुमसे कम हैं, हम ये नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, झगड़ा हो जाता है। तो उधर जब सांप पकड़ने में ही झगड़ा हो जाएगा तो समुद्र मंथन क्या होगा। तो कलह तो पहले से ही स्वाभाविक चल ही रहा है, पहले से स्वाभाविक कलह चल रहा है, थोड़ी थोड़ी बात में फिर भड़क जाएगा तो ये काम हो नहीं पाएगा। इसलिए वो लोग जो कुछ कहें सब मान लेना। शांतया जथा अर्था सिद्ध्यंती न तथा शरम भेण,
शांति रखने से, धीरज रखने से जितना काम सधता है इस जगत में, बहुत घबराहट से या झगड़ा करने से, क्रोध करने से काम नहीं होता है, बल्कि काम बिगड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर नीति भगवान सिखा रहे हैं। यह केवल समुद्र मंथन में ही काम आने वाली नीति नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार में सब समय एक काम आने वाली चीज है। क्रोध नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए कि मैं यह लूंगा ही, मैं ये करूंगा ही, छोड़ दो, जो चाहे वो करने दो, उनकी बात मान लेना। तो न शरम भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेर्था शांतोयाजत। शांतोया का अर्थ साम मार्ग, साम मार्ग का अर्थ होता है प्रसन्नता का मार्ग, शांति का मार्ग। अगर किसी को सुंदर वचन सुनाने से अपना काम होता है, किसी की प्रशंसा करने से काम हो रहा है, तो प्रशंसा करनी चाहिए। हिंदी में लोग कहते हैं कि समय पर एक गधा को भी बाप कह देना चाहिए। गधा को भी बाप कह देंगे तो बाप तो हो नहीं जाएगा, लेकिन काम अपना हो जाएगा। तो समय पर गधा को भी बाप कह देना चाहिए। ऐसे तो आजकल तो दुनिया में सब लोग अंकल हो गए, सब चाचा हो गए, है ना। तो किसी को भी कहते अंकल जरा जगह दो, अंकल ये करो वो करो, जब अंकल हो ही गए, चाचा हो ही गए, तो बाप होने में क्या देर है। अगर बाप कह देने पर भी वो काम करे तो कर देना चाहिए, तो उसको कहना चाहिए। एक प्रसिद्ध घटना है, आप सब लोगों ने सुना, जयपुर नगर भारतवर्ष में राजस्थान की राजधानी, उस जयपुर नगर के बसाने वाले राजा जय सिंह थे। जय सिंह बहुत छोटे उम्र के थे, तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय वे 13 वर्ष के थे, जिस समय वे औरंगजेब के राज यहां दरबार में पकड़ करके लाए गए थे, और उतना क्रूर व्यक्ति, जय सिंह से पूछ दिया, मेरे प्रति तुम्हारी क्या भावना है, तुम इसको क्या समझते हो। तो उसकी क्रूरता की कहानी तो पूरे भारतवर्ष में थी, तो शायद औरंगजेब ये सुनना चाहता था कि जय सिंह कहेगा कि तुम बहुत बदमाश हो, ये हो वो हो, ठीक नहीं हो, तो पूछ दिया। लेकिन जय सिंह बहुत चतुर व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान, उन्होंने कह दिया कि हमारे पिताजी नहीं है, मेरी तो यही दृष्टि है कि आप ही हमारे पिताजी। और इतना सुनते ही वो मुसलमान बादशाह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगा। उसने कहा ठीक, मैं तुम्हारा पिता रहूंगा। और उसने आदेश दिया कि जयपुर को डिस्टर्ब नहीं करना, उस साइड में जो भी नाम रहा होगा उसमें, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, न वहां से टैक्स लेना है, न और कोई कुछ भी करना है, और छोड़ दिए। तो जैसे आगे चल करके बहुत बड़े राजा हुए, अच्छा हुए। तो इस तरह से एक बात सुंदर बोलने से काम हो गया। कह दिए होते कि तुम बदमाश हो, खल हो, ये हो वो हो, तो शायद उसी समय वो मार दिए जाते। तो भगवान नीति सिखा रहे हैं अपने भक्तों को, सीखना चाहिए बोली, किसी को मान देने में, किसी सुंदर वचन बोलने में क्या दिक्कत है, भले उसमें गुण हो या न हो, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। सभी अर्थ शांति से, साम मार्ग से सधते हैं। कलह करने से, अपने को बड़ा कहने से काम नहीं सधते। अंत में भगवान यह भी कह रहे हैं, न भेतव्य कालकूटा दिशा जलधि संभवा। हे देवताओं, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलेगा, हलाहल विष, तो उसे डरना मत, भयभीत मत होना। न भेतव्य, भयभीत मत होना, अर्थात ये मत सोचना कि हाय हम मर गए, भगवान ने कैसा उपदेश किया, कि अमृत निकालने का उपदेश किया, निकल गया विष। तो ये भयभीत मत होना, तुम लोग मरोगे नहीं, क्योंकि उसको शिव जी पी जाएंगे। भगवान इस बात को कहे नहीं, लेकिन भगवान के मन में यह था कि वो शिव विष जाएगा शिव जी के मुख में, चिंता मत करना,
और तुम लोग बच जाओगे। न भेतव्यम काल कूटात विषाद जल्द ही संभवात, समुद्र से संभव जन्म जिसका होगा उस विष से डरना मत। उसके बाद भी मथने का काम चालू रखना, ये कहने का आशय है। हिम्मत सोचना कि इसके बाद फिर कोई और जहर उत्पन्न होगा, इसलिए छोड़ो मथना काम धंधा छोड़ो, बेकार। अच्छे लोग काम जो चालू करते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक कवि ने कहा है संस्कृत में, देखो देवताओं का कितनी कितनी चीजें उत्पन्न हुई लेकिन देवता लोग मथना नहीं छोड़े। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, लेकिन सबसे पहले विष निकल गया। विष निकलने के बाद भी हतोत्साहित नहीं हुए, दौड़े भगवान सदा शिव से प्रार्थना किए, विनय किए, भगवान शिव विष को पी गए। तो विष को पी गए तो देवताओं की फिर हिम्मत बढ़ी, आए साइट पर वे लोग और फिर मथना चालू किए। उसके बाद क्या क्या निकला, चंद्रमा निकला या लक्ष्मी जी निकली, धनुष, ऐरावत हाथी, ऊंचा सर्वा घोड़ा, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, काम धेनु, कई चीजें निकली। तो यह भी संतुष्ट हो जाने का अवसर था कि भाई हमको तो बहुत मिल गया, अब क्या परिश्रम करना है, छोड़ो अमृत की कोई बात नहीं, बहुत धन मिल गया, अब परिश्रम क्यों करें। लेकिन कभी कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो लक्ष्य को पूरा करके ही विश्राम लेते हैं। देवताओं पर संकट आया, कालकूट जहर निकला और लोभ देने वाली बहुत सी वस्तुएं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना उद्योग छोड़ा नहीं। जब तक अमृत नहीं निकाल लिए तब तक वे विरत नहीं हुए। इस तरह से भक्तों को चाहिए कि भगवान को पा करके ही जप वगैरह छोड़ेंगे। और उस समय तो छोड़ना क्या, वही जीवन हो जाता है। लेकिन कृष्ण को पा ही जाना है इस जीवन में, भगवान को पाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कभी कभी जहर निकलता है, विष निकल जाता है बीच में। भक्तों को कभी कभी बहुत डिस्टर्बेंस अनुभव होता है कि इधर उधर अखबार में जहर कुछ निकल जाता है, लेकिन समन होगा और अमृत तो आएगा, कृष्ण भावना अमृत। धीरज रखना चाहिए देवताओं के इस उदाहरण से। तो भगवान सांत्वना दे रहे हैं और कहते हैं, लोभ कार्यो नवो जातु रोष कामस्तु वस्तु सु। भगवान कह रहे हैं कि और भी बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी समुद्र मंथन से, और कोई वस्तु यदि मिले तुम लोगों को तो अधिक के लिए फिर लोभ मत करना, जो मिले संतोष करना। 14 रत्न निकलेंगे लेकिन रत्नों की जो संख्या है देवताओं की संख्या में बहुत कम है, उसमें भी दैत आधा हिस्सा लेने वाले तो दैत्य थे। तो देवताओं को हो सकता है बहुत कम मिल पावे, नहीं मिल पावे, कुछ मिले तो जितना मिले उतना में संतोष कर जाना, लोभ मत करना। अच्छा, रोषा, और कोई चीज तुम लोग चाहोगे और वे दैत्य अगर ले लें तो फिर क्रोध मत करना, और वहां पर लड़ाई झगड़ा मत करना, वो काम करना है। अमृत उत्पन्न होने के बाद, पीने के बाद चाहे जितना मन करे लड़ लेना, लेकिन बीच में कलह मत छेड़ना, रोष मत करना। कोई चीज चली जाए चली जाए, मान लीजिए देवताओं की दृष्टि में कोई बहुमूल्य वस्तु होगी वो ले जा सकते थे, ऐसे भगवान की कृपा से देवताओं को सब अच्छी अच्छी चीजें मिली, सब अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन भगवान एक नीति सिखा रहे हैं कि अगर न मिले वे ले लें और दैत्य ले लें तो फिर रोष न कार्य, रोष मत करना। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि किसी भी वस्तु की कामना ही मत करना, कामस वस्तुसु, वस्तुसु का अर्थ है मथनात उत्पन्नेसु वस्तुसु, उस मथन से जितनी भी वस्तु उत्पन्न होंगी उनकी एक तो कामना मत करना,
लास्ट शिक्षा बहुत महत्व की होती है, किसी चीज की कामना मत करना। बहुत धन उत्पन्न होगा लेकिन इससे क्या, दुनिया में बहुत धन है इससे क्या, रहने दो, मेरे भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक तो कामना मत करना, कामना के बिना भी यदि वस्तु मिल जाए तो उससे ज्यादा की इच्छा मत करना, और बिल्कुल न मिले तो क्रोध मत करना, बस शांति से काम करना है, देखो मैं रहूंगा क्या होता है, लेकिन है तुम लोग बस काम करो। यह शिक्षा ग्रहण करने लायक है सभी भक्तों के द्वारा, सबके द्वारा। भगवान चाहते हैं कि हम काम करें, फल तो ईश्वर के हाथ में है, भगवान फल दाता है वास्तव में, लेकिन मनुष्य पहले ही फल निश्चय करके और बीच में फल के लिए झगड़ा कर लेता है, फल भी नहीं मिल पाता है और जो फल आने वाला होता है वो भी बंद हो जाता है। इस तरह से भगवान ने शिक्षा दिया, और शिक्षा दे करके वहीं पर पूछे, सभी बात आप समझ गए ना? देवताओं ने कहा हाँ हम सब समझ गए। भगवान ने फिर से पूछा क्या क्या कहा आप बताइए, सब ने कहा ये करना है ये करना है, तो भगवान वहीं पर उनके देखते देखते ही अंतर्हित हो गए, कहीं गए नहीं, जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही अंतर्हित। भगवान की अशक्ति हुए, दिखाई पड़ना चाहते हैं तो दिखाई पड़ेंगे, अन्यथा नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब भगवान अंतर्हित हो गए तो समस्त देवता पुनः साष्टांग प्रणाम किए, भगवान को सामने देखकर जैसे साष्टांग प्रणाम किए थे तो भगवान के अदृश्य होने पर फिर साष्टांग प्रणाम किए, उस भूमि को प्रणाम कर रहे जिस पर भगवान प्रकट हुए थे। बहुत गरिमा है वैष्णव विष्णु की, और विष्णु के संबंधी जो हो जाते हैं जिनको वैष्णव कहते हैं उनकी भी बड़ी गरिमा है, महत्ता है। गांव में एक कथा कहते हैं कि एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ चले और कहे कि चलो भगवान के भक्तों का दर्शन करें, तो पार्वती जी के साथ जा रहे थे तब तक भगवान शिव एक जगह लौटने लगे, धूल में लुंठन करने लगे धूल में, तो पार्वती जी कहने लगी यहां कौन साधु है, यहां कौन वैष्णव है कि आप इस धूल में लौट रहे। भगवान शिव ने कहा कि कुछ बरस पहले यहां एक वैष्णव भजन किए थे, भगवान का नाम जप किए थे, भजन किए थे, इसलिए यह भूमि बहुत पावन हो गई है, अतः मैं इसमें लुंठन कर रहा हूं, लौट रहा हूं। बताइए कई वर्ष पहले वो वैष्णव चले गए थे भजन करके, तो उस भूमि को भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, तो आगे जा करके फिर भगवान शिव लौटने लगे धूली में। पार्वती जी ने पूछा कि यहां क्यों लौट रहे हैं, शिव जी ने कहा कि कुछ वर्ष के बाद यहां एक वैष्णव भजन करेंगे, आगे समय आएगा तो इस भूमि पर वे भजन करेंगे, इसलिए है भूमि परम पावन। इस तरह से लौट रहे हैं। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति भगवान का विष्णु का हो जाता है तो देवता भी उसका सम्मान करते हैं, भगवान शिव तो सबसे बड़े वैष्णव इसलिए वैष्णवों का महत्व ये जानते हैं। किसी भी तरह से भगवान का हो जाना चाहिए इस संसार में, जो व्यक्ति भगवान का बन करके जीता है उसी के जीवन की शोभा है, भगवान का नहीं बना और किसका किसका संबंधी इसका उसका ये वो सब टेम्पररी, कृष्ण का बन करके जीना चाहिए। तो भगवान वहां अंतरित हो गए तो उस भूमि को देवताओं ने प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया वास्तव में, और स्वच्छंद गति ईश्वर, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान स्वच्छंद गति, जब इच्छा करे प्रकट हो सकते हैं, नहीं प्रकट हो सकते हैं। देवताओं ने प्रणाम किया और अब वहां से भगवान शिव और ब्रह्मा जी देवताओं को कहे जाओ अब संधि करो, भगवान ने जैसा कहा है। शिव जी और ब्रह्मा जी इस विषय में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, अमृत पीने उन्हें,
तो देवता गए थे, रो रहे थे भगवान ब्रह्मा जी के पास, इसलिए वो लेकर के आए थे कि चलो भगवान से कुछ पैर भी लगा दे तुम लोगों का काम हो जाए। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने बातचीत किया, इन लोगों को काम बताया गया। ब्रह्मा जी को अपना काम देखना है कि यही केवल मंथन में रहना है। तो ब्रह्मा जी अपने घर चले गए और शिव जी भी कैलाश चले गए। अब देवताओं में प्रधान है इंद्र, भगवान इंद्र अन्य देवताओं के साथ बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज उस समय दैत्यों के सरदार थे, लीडर थे, पर दैत्य वंश में होने के कारण उन्हें दैत्यों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता था। क्या करें देवता लोग जा रहे हैं बलि महाराज के पास। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जगमतु स्वंसं धामो पेयुर्बलिं सुरः। जब देवता पहुंचे बलि महाराज के पास, कुछ देवता पहुंचे, सभी नहीं गए, और भगवान ने मुख्य रूप से इंद्र को शिक्षा दिया था कि जाना तो दैत्यों से ऐसे मिलना, ये बात करना, ये बात करना, ऐसे करना, नहीं तो जाने पर वहां झगड़ा छिड़ जाएगा ना। ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, दूर से ही टेंशन बना रहता है, फोन पर ही गाली देकर रह जाते हैं कभी साथ मिलने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन भगवान के प्रस्ताव से गए, जब बलि महाराज के सैनिकों ने, सेना नायकों ने देखा देवताओं को, तो ये तो दैत्य है, उनके मन में आ गया बहुत अच्छा हुआ, इनको यहीं पर समाप्त कर देना है, और वे सब अपना आयुध संभालने लगे देवताओं को देखकर। नैसर्गिक वैर चलता है देवताओं में और दानवों में, बहुत काल का झगड़ा है, इसलिए देखते ही जात क्षोभन क्रोध आ गया है। और अप्यसंग दृष्टवार अन्य अप्यसंग, यद्यपि देख रहे थे कि हमारे शत्रु इंद्र आदि आए हैं, तो कवच नहीं बांधे हैं, हाथ में कोई अस्त्र लेकर नहीं आए हैं, इस संधि के लिए कोई जाएंगे तो हाथ में हथियार लेकर जाएंगे तो कहां से संधि होगी। भगवान ने कहा था कि कोई अस्त्र लेकर मत जाना, जब मेल करना है तो करना है। लेकिन वे असुर सैनिक देख रहे थे कि देवता बिना हथियार के आए हैं, बिना कवच बांधे आए हैं, लड़ाई के मूड में नहीं आए, फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो बलि महाराज ने उन लोगों को मना किया कि शांत रहो, ये कलह का टाइम नहीं, अपने घर पर आए हैं देवता ना, नीति है कि शत्रु भी अपने घर पर आए तो उसका इतना स्वागत करना चाहिए कि वह शत्रुता भूल जाए। बलि महाराज के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्लोक क्या संधि विग्रह कालवित, बलि महाराज श्लोक के हैं, इनका यश सारे जगत में फैला हुआ है, और संधि विग्रह कालवित, कब कलह करना चाहिए, कब विग्रह करना चाहिए और कब संधि करना चाहिए, बलि महाराज इसके बहुत बड़े विशेषज्ञ। सब समय झगड़ा ही नहीं करना चाहिए, कुछ समय आता है कि मनुष्य को मेल कर लेना चाहिए किसी से। बलि महाराज इस नीति शास्त्र में पारंगत थे, संधि विग्रह कालवित, संधि और कलह के समय को पहचानते थे, जानते थे। तो उन्होंने दैत्य नायकों को रोका, सेनापतियों को रोका, तब उन लोगों को गेट से भीतर आने दिया गया, ठीक है आइए, कोई भय नहीं है। तो सेना नायक तो ऐसे ही मार देते हैं उन देवताओं को, अब तो कुत्तों से भय रहता है। किसी बड़े आदमी के पास जाइए तो लिखा रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्ता से सावधान रहिए। अद्भुत समय आ गए, कुत्ता भयानक होते हैं, वे काट देते हैं, किसी को डस लेते हैं। कुत्ता से तो कोटि गुना भयानक दैत्य होते हैं, तो वे हथियार सजाने लगे तो बलि महाराज ने मना किया था, नहीं 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 नहीं। और वे लोग बेचारे गेट पर से घंटी बजाए होंगे देवता लोग,
प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद फाटक खुला, राजद्वार, बलि महाराज बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और बड़े बड़े दैत्य थे, शुक्राचार्य आदि थे, बहुत बड़ा वैभव था बलि महाराज, देवताओं से भी अधिक। तो सब गए, बलि महाराज व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, इंद्र को अपने पास देखते ही वे आश्रम से उतर गए और प्रणाम तो नहीं किए लेकिन हाथ मिलाए हाथ मिलाए और ला करके बैठाए, फिर पूछे खान पान स्वागत। ये देवता लोग वहां तो पानी भी पीने वाले नहीं थे, वहां पर क्या खाते भी कैसे आए, ये सारी बातें हुई। इंद्र भगवान बोलने में बहुत प्रवीण है और ऊपर से पुरुषोत्तम ने उनको शिक्षा दिया था, इसलिए वे और प्रवीण हो गए। भगवान इंद्र ने कहा कि हम लोग दोनों परिवार, दैत्य चाहे देवता, एक ही दयाद कश्यप जी की संतान है हम, तो हम लोगों में प्रेम स्वाभाविक वस्तु है, कलह है और विवाद है अस्वाभाविक है। पर दैव जोग से ऐसा लिखा था कर्म में क्या था, अब तक हम लोगों में कोई मेल नहीं हुआ, केवल कलह ही चलता रहा। लेकिन हमने विचार किया कि नहीं, हम लोग एक परिवार के हैं, परिवार में कलह ठीक नहीं है, और भगवान पुरुषोत्तम ने भी, भगवान विष्णु ने भी हम लोगों को यह शिक्षा दिया कि तुम लोग मेल करो, झगड़ा आज से मत रखो। और हम लोग तो नहीं आ रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं जाओ, तुम झुको, तुम जाओ प्रेम करो। एक तरफ से कोई प्रेम करेगा तभी तो दूसरी तरफ से प्रेम होगा, कोई एक तो झुकेगा। इसलिए हम लोग आए हैं और प्रेम करना चाहते हैं, और संधि करके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये दोनों परिवार अजर अमर हो जाए, हमारी शक्ति बढ़ जाए, भगवान ने शिक्षा दिया है। अब जानते हैं भगवान इस विश्व के रचयिता हैं, पिता हैं, पिता थोड़े चाहेगा कि दो पुत्रों में झगड़ा हो, भगवान भी चाहते हैं कलह नहीं होना चाहिए, हम दोनों में संधि रहनी चाहिए, और यही दो गुट प्रधान है इस विश्व में, आप लोग हैं हम लोग हैं, और हम अपनी सारी शक्ति केवल लड़ाई में ही व्यतीत कर दें तो विकास का कार्य क्या करें। अच्छा, तो भगवान ने और क्या कहा है, तो भगवान ने ये कहा है कि तुम लोग अजर अमर बनो, तुम लोग और दैत्य सब मिल करके अमृत उत्पन्न करो। सारी बातें बता दिया इंद्र ने, भगवान ने ये कहा कि मद्राचल को ला करके क्षीर समुद्र को मथना है, बासुकी नाग को लाना है, ये करना है वो करना है, तो यही तो प्रस्ताव है, और एक दल से तो होने वाला नहीं, जब हम लोग मिल जाएंगे तब तो हिमालय को भी हटा देंगे। हम लोग आपस में अगर मिल जाए तो हम लोगों के लिए क्या मुश्किल की बात है, और इस तरह से सहकारी समिति बना करके और हम लोग कार्य करें। अगर यदि आप लोगों को ये रुचिकर लगे तो हम लोग आए हैं, अगर नहीं रुचिकर लगे तो खैर कोई बात नहीं, कहीं किसी से मेल करना हो तो अपने पर्पस को क्लियर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भड़क जाएगा विपरीत पार्टी कि अपना काम बनाने के लिए मेल करना चाहता है। इसलिए भगवान इंद्र ने कहा कि यदि आप लोगों की भी इच्छा हो कि अजर अमर हो जाए, आप लोग भी बड़े हो जाए, समृद्ध हो जाए, तब तो कोई बात नहीं, तो जैसे हम आएंगे वैसे चले आए हैं वैसे चले जाएंगे, लेकिन अब आपके सहमति की जरूरत है, सब आपके हस्ताक्षर से होगा। देवता तो कपट लेकर के गए ही थे कि इनसे मेहनत कराना है, इनको केवल क्लेश मिलेगा, भगवान ने कहा है, एक काम कराना चाहते थे। दैत्यों ने सोचा हो ये तो बहुत अच्छा अवसर है, अगर अमृत उत्पन्न होगा तो हम लोग तो मारपीट करके पी ही जाएंगे इन लोगों को, इसलिए बलि ने कहा हाँ बस बस तुरंत साइन कर, ठीक है, एकदम संधि पत्र पर साइन हो गए, सबने स्वीकार किया, बहुत अच्छा, तालियां बजी जोर से, बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कितने वर्षों का झगड़ा चला गया ये लगा, और दोनों कपट से बोल रहे थे, दैत्य जो संधि किए तो इसलिए नहीं कि हाँ हम लोग आज से मिल जाएंगे,
केवल देवताओं से मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे और सब पी जाएंगे अमृत, और वस्तु उत्पन्न होगी वो तो ऐसे ही छीन लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो दोनों ओर से कपट था, लेकिन देवताओं की ओर से जो कपट था वो कपट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब तरह से भगवान पर आश्रित थे, अपने ट्रिक पर, अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर आश्रित नहीं थे, भगवान की शरण में थे, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि पर और अपने बल पर कि हम लोग तो ले ही लेंगे, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा अहो भाग्य है कि आप आए ऐसा कहे, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। तब प्रस्ताव रखा गया, भगवान इंद्र ने कहा कि तो सबसे पहला काम ये करना है कि तब मंदराचल लाना है। हाँ बस चल, जय जयकार करते हुए बस सारे देवता और दैत्य निकल पड़े, निकल गए। और इतना जोश था संधि होने के कारण दोनों परिवार में, इतना जोश था कि वे गए और मंदराचल को उखाड़ लिए, उत्पाटन कर लिए। मंदराचल के चरण धरती में बहुत धसे हुए हैं, बहुत नीचे, लेकिन भीतर से ही पर्वत को उखाड़ लिए पूरा। इतना बलवान दैत्य और दानव देवता है, उखाड़ लिए और जय जयकार करते हुए, साहस करते हुए चल दिए। यद्यपि वे चाहते तो बीच बीच में पर्वत को रख करके चल सकते थे, भाई रखते थे, कहते भाई आराम कर लो आराम कर लो, इसके बाद ले चलेंगे। लेकिन प्रत्येक देवता और प्रत्येक दैत्य इतना स्वाभिमानी थे कि वे नहीं कह सकते थे कि मेरी बाह दुख गई है, रख दो बाद में उठाएंगे। वो सोचता था कि वो कहेगा वो कहेगा वो कहेगा, कोई नहीं कहा। एक तो दूर से लाना था पर्वत, और भी सोने का पर्वत भारी था, सब थक गए। तो वहां मंदर गिरिम ओजसा उत्पात दुर्मदा नदंत उद्धि सकता परिघ बाहवा, उनकी बाहें मूसल के समान थी, लोहे के मूसल के समान बाहें बहुत मजबूत थी, बाहों पर टांगे थे विशाल पर्वत को, और ले चल रहे थे ले चल रहे थे। लेकिन दूर भारोद वह श्रांत, दूर से पर्वत लाना था, उसको ढोने में वे थक गए। एक तो बहुत भारी वजन था और दूसरा मार्ग बहुत लंबा, तो थक गए श्रांत। जिन थकने वालों में सबसे पहला नंबर दे रहे हैं शक्र वैरोचना द इंद्र और बलि। इसका अर्थ है कि जब बलि और इंद्र थक गए तो और देवताओं में क्या था, ये थक गए क्लांत हो गए। लेकिन वे सोच रहे थे कि वो कहेगा कि अब रख दें, बलि महाराज सोच रहे थे कि इंद्र कहेंगे कि मैं थक गया हूं रख दिया जाए, और इंद्र सोच रहे थे कि बलि कहेंगे कि हम लोग थक गए हैं, कोई नहीं कहा, अपनी नकली साहस दिखा रहे थे, अपना बल दिखा रहे थे। लेकिन अब जाते जाते सब तो पस्त हो गए थे, अकस्मात पर्वत धड़ाम से गिर गया उनके ऊपर, और गिरा तो अनेक देवताओं और दानों को चूर्णया मास महता भारिण कनकाज चूर्ण कर दिया। चूर्ण शब्द का अर्थ बिल्कुल छोटे छोटे खंड में तोड़ मोड़ करके सबको समाप्त कर दिए। पीजिए अमृत, ये अमृत पीने चले, सब अभी मर गए। अब कुछ देवताओं के केवल अंग भंग हुए थे, हाथ टूट गया था, सिर फूट गया था, वे लोग हाय नाथ हाय जगन्नाथ ये क्या किए, ऐसा आपने मंत्रणा दिया, ऐसा प्रस्ताव दिया, हम तो मर गए, हे प्रभु हम क्या करें। वे लोग हाय हाय करने लगे कि ये क्या उपाय बताए, इतने दैत इतने देवता सब मर गए, रोने लगे। तो जब रोने लगे तो भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान स्वच्छंद गति। वे जानते थे कि ये लोग मरेंगे रास्ते में, पर्वत गिरेगा इनके ऊपर, वो सब जानते थे। निपतन स गिरीश तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णया मास महता भारेण कनकाचल। कनक अचल था, सोने का पर्वत, सोना पत्थर की अपेक्षा और ज्यादा भारी होता है। कनकाचल
एक तो सोने का पर्वत था, बहुत बड़ा था, दूर से लाना था, वो गिरा बहुत वेग से। तो गिरने पर बहुन अमर दानवान चूर्णयामास, चूर चूर कर दिया। बहुन अमर दानवान का अर्थ है कि 50% से अधिक लोग तो समाप्त हो गए वहीं। बहुन शब्द ये बता रहा है, बहु शब्द कम से कम आधा से अधिक को सूचित कर रहा है। बहुत लोग तो चूर्ण हो गए और बाकी लोग भी ठीक से बचे नहीं। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी की कमर टूट गई, कुछ हो गया। केवल जीवित रह गए कृष्ण को पुकारने के लिए। अब वो लगे प्रार्थना करने, रोने लगे। तांस तथा भग्न मनसो भग्न बाहु रुकंधरान विज्ञाय भगवान स्तत्र बभू गरुण ध्वज। जब देवता रोने लगे और शायद उनमें अब बुलाने की भी शक्ति नहीं रह गई थी, बेहोश होकर गिर गए थे सब, तो भगवान गरुण ध्वज तत्र बभू, भगवान गरुण जी पर चढ़े चढ़े वहां आ गए। आए देखे सब दुर्दशा, पर्वत गिरा है और सब मरे पड़े। तो अब देखिए भगवान की भगवत्ता, भगवान वहां क्या करते हैं। गिरी पात विनिष्पिष्टान विलोक्या अमर दानवान इक्षया जीवया मास निर्जरान निर्व्रणंस तथा। भगवान सब पर केवल कृपा दृष्टि से देखे और देखते ही सब उठ गए, जी गए। और निर्जरान, मन में कोई भय नहीं था, हतोत्साहित नहीं थे। और निर्व्रणन का अर्थ है कि जो शरीर कट गया था सब कहीं भी दाग नहीं रह गया। भगवान के देखते ही कटने का दाग नहीं था, शरीर ठीक हो गया, मनोबल ज्यों का त्यों रहा, ठीक हो गया। क्या कोई संसार में ऐसा कर सकता है? मान लीजिए कहीं रेल दुर्घटना हो जाए, ट्रेन दुर्घटना हो जाए, तो रेल मंत्री आकर के देख करके सबको ठीक कर देंगे आंख से? किसी में है सकती है? जो बचे रहेंगे उनके लिए डॉक्टर बुलाओ, ये करो ये करो, उसमें भी कुछ अस्पताल में मर जाते हैं, कुछ कुछ दिन के बाद मर जाते हैं, जो वहीं पर कोई कुछ नहीं, केवल थोड़ी देर के लिए शोक किया जाता है, मरे हुए के लिए शोक करते हैं। भगवान तो शोक नहीं किए, भगवान ने सबको जीवित कर दिया। जीवया मास केनो इच्छया, अपने ईक्षण से, दृष्टि मात्र से जीवित कर दिया। यह शास्त्र की कथा है श्रीमद् भागवतम की। अब जिन लोगों ने ये व्रत ले लिया है कि हम शास्त्र पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उनकी तो बात दूर है वो तो क्या समझेंगे। लेकिन जो लोग श्रद्धालु हैं, आस्तिक हैं और भगवान की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे लोग तो इसको तत्काल स्वीकार कर सकते हैं। भगवान के दृष्टि में वह शक्ति है कि मरे हुए देवताओं को और दैत्यों को जीवित कर दिए, उनका अंग भंग हुआ था वो भी सब ठीक हो गया, कहीं कटने की रेखा दाग कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा, ये भी याद था देवताओं को कि हम लोगों के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा था, हम मर गए थे, तो अब फिर हताश नहीं हुए। मनोबल भी भगवान ने जीव का त्यों रखा, कोई बात नहीं आगे फिर ले चलना, परंतु अब उठाने का साहस नहीं हो रहा है। जीवित तो हो गए, एक तरफ खड़े हो गए सब, और पर्वत के नीचे जो दब गए थे, चूर्ण हो गए थे, वे सब भी जी जी करके निकल आए भगवान की कृपा से। भगवान ने कहा कि अब देवताओं ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हो, तो ऐसा ऐसा विपरीत फल आ रहा था, तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, अब आप लोग नहीं ढोएंगे। भगवान एक हाथ से, चार भुजा उनकी थी, एक भुजा से पर्वत को ऐसे उठाए और गरुड़ जी पर रख दिए, एक ढेला की तरह रख दी। और भगवान को कोई आयास नहीं करना पड़ा, ऐसा नहीं कि ऐसे करके उठाए हों जोर लगा करके, बिल्कुल हल्के कागज की तरह ऐसे उठाए और रख दिए। और देवताओं को और दैत्यों को कहे कि तुम सब लोग चढ़ो गरुड़ जी पर। हम बेचारे पैदल क्यों चले, इतना काम किए थे। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान
यहां से सहायता कर रहे हैं। बेचारे उतना काम किए कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा तो भगवान उस पर प्रसन्न न होते हैं। तो सबको कहेगा गरुण जी पर चढ़ो। गरुण जी के दोनों पंख बहुत विस्तार से फैले हुए थे, सो पर्वत का तो पर्वत को भगवान ने अपने हाथ से चढ़ाया और उन लोगों को कहा चढ़ो। एक पंख पर दैत्य चढ़े, दूसरे पर देवता, और भगवान बीच में सभी अपने दोनों संतान के बीच में वे भी चढ़े और गरुण जी को कहे कि चलिए। गरुण जी मारे पंख और कुछ ही मिनट में समुद्र के पास लाकर उतार दिए पर्वत। यह है भगवान की विभूति की शक्ति। गरुण जी भी भगवान है, क्या कोई मन से भी कल्पना कर सकता है कि कोई पक्षी इस तरह से 10,000 जोजन पर्वत को, दैत्यों को, देवताओं को और भगवान को लेकर आएगा? भगवान के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। अब जिनके पास बुद्धि ही नहीं है समझने की, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? इन शास्त्र में तो सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है। भगवान इस तरह से लाए तो देव दैत्यों को जिला देना, उनका मनोबल बढ़ाना, पर्वत को रख देना गरुण जी पर, और गरुण जी में इतनी अपार शक्ति है कि उड़ करके चले। इसमें देखिए श्लोक में किस तरह कहा जा रहा है। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नेकेन लीलया, एकेन हस्तेन। भगवान चाहते तो चारों हाथ लगा करके पर्वत उठा करके लादे होते, लोड किए होते, लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो एकेन हस्तेन, एक हाथ से अभी लीलया खेल खेल में उठाकर रख दिए। और गिरिं चारोप्य आरुह्य प्रयोधिम सुरासुर गणैर्वृत, सुर असुर गणैर्वृत, देवताओं और दानवों से आवृत, अर्थात वे सब गरुण जी पर बैठे थे। धन्य हो गए बेचारे दैत्य भी जो गरुण जी पर सवारी किए। दैत्य हो चाहे देवता हो, सब तो भगवान की संतान है ना, भगवान सबके पिता है, तो पिता की सवारी पर पुत्र नहीं चढ़ सकते हैं क्या? वो स्वाभाविक। तो भगवान ने सबको चढ़ाया। आप इस लीला में देखेंगे कि भगवान किस तरह सौम है वास्तव में सबके प्रति। विषम कब व्यवहार किया भगवान ने? जब दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया, उस समय से भगवान अब उनके साथ ट्रिक चालू किए, टीट फॉर टैट। अब वे लोग जब कपट कर रहे हैं तो भगवान को कपट करना पड़ गया, नहीं तो अब तक बिल्कुल आप देखेंगे कहीं भी बिल्कुल भगवान सौम है। जिलाए तो दैत्यों को भी जिलाए अपनी कृपा दृष्टि से, गरुण जी पर चढ़ाए उन लोगों को भी जिन गरुण जी का दर्शन ही दुर्लभ है, चढ़ने की बात तो देवताओं के लिए भी काफी दूर। भगवान का दर्शन मिला दैत्यों को, गरुण जी पर चढ़े, और भगवान जिस समय उड़ रहे होंगे प्लेन पर, जब गरुण जी पर और सारे दैत्य होंगे, देवता होंगे, तो दैत्य भी देख ही रहे थे भगवान को, तो उनका अहो भाग्य। परंतु आश्चर्य की बात है कि दैत्य इतना नैकट्य प्राप्त करके भी भगवान के भक्त नहीं थे, यह भी एक अद्भुत बात। भगवान की शक्ति को देख कि ये जिलाए हैं, गरुण जी पर पर्वत को लादे सब किए, लेकिन फिर भी वे अपने ही बुद्धि और बल पर भरोसा रखते। तो गए अवधि समुद्र के किनारे, वहां जाकर गरुण जी लैंडिंग हुए, गरुण जी उतरे समुद्र के तट पर और उतरे अपने पंख को नीचे किए, तो सब देवता गए तो उतरे। जब सब उतर गए तब गरुण जी अपने चोंच से पर्वत को पकड़कर उतार दिए। वहां पर भगवान ने चढ़ाया था, लेकिन उतारते समय भगवान नहीं उतारे, गरुण जी स्वयं अपने चोंच से पकड़कर उतार दिए पर्वत को। यह है गरुण जी की शक्ति।
और भगवान ने संकेत किया कि अब आप जाइए, क्योंकि यदि गरुण जी वहां रहते तो वासुकी को आने की हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अब आप जाइए। तो भगवान को प्रणाम करके, भगवान की आज्ञा लेकर के गरुण जी चले गए। सर्पों में और गरुण जी में नैसर्गिक वैर चलता है, और ऐसे गरुण जी सांपों को खा जाते हैं। इतना भारी भोजन मिलता तो हो सकता था, वो खा जाते, समुद्र मंथन भी नहीं हो पाता, रस्सी ही खत्म हो जाती। तो भगवान ने संकेत किया, भगवान के इस विश्व सृष्टि में विचित्र विचित्र जीव हैं। इतने बड़े सर्प हैं वासुकी नाग, इतने शक्तिशाली, लेकिन गरुण से उनको भय है। क्यों नहीं भय होगा? पर्वत को एक ढेला की तरह जो ढो करके लाया, उसके सामने क्या है वासुकी? हरिणा सब विसर्जित, विसर्जित का अर्थ है प्रेषित। हरि ने भेजा गरुण जी को कि आप जाइए। तो वे चले गए, पर्वत रख दिया गया। तब देवता पहुंचे और दैत्य भी वासुकी नाग के पास। कुछ लोग गए, ते नाग राज मां मंत्र फल भागे न वासुकी, परिवीय गिरव तस्मिन नेत्र मब्धि मुदान्विता। वासुकी नाग के पास पहुंचे वे लोग, ये कथा है, तो प्रस्ताव सब रखे। वासुकी जी ने कह दिया, मैं नहीं मरूंगा, इतना बाप रे बाप, उस पर्वत में बड़ी बड़ी चट्टाने निकली होंगी और उनके बीच में सांप को खींचा जाएगा जोर से, तो उसका तो दम निकल जाएगा, एक दो बार में ही मर जाएगा। अमंगलम, यह सांप का अमंगल अंग है। अमंगल अंग का अर्थ यह है कि तो नेचुरल ही पेशाब शौच करता ही है, और जब जोर पड़ेगा तब तो और तृति करेगा और पेशाब करेगा। तो हम क्या ये दुर्गम सहेंगे? हम समुद्र मंथन करने आए हैं कि यही केवल साफ करने आए हैं? उन लोगों ने ये विचार किया, क्या हम ऐसा थोड़े काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, तो सब लोग मुख ही पकड़ेंगे तो मंथन क्या होगा? देखिए इन लोगों की जिद, गलती यहीं से चालू हो रही है। मन में जो गलती थी तो थी, मन में तो बेईमानी थी कि देवताओं को हम लोग अमृत नहीं देंगे, मार कर पी जाएंगे, लेकिन अब एक्शन में भी आने लगा कि हमें नहीं पकड़ेंगे। तो क्या वो दैत्यों से देवता ही हीन थे क्या, बताइए? न गृहिमो वयम अंगम अहे रंगम मंगलम, हम न गृहिमो वयम पुच्छम, हम पुछ नहीं पकड़ेंगे, ये अशुद्ध अंग हम नहीं पकड़ेंगे। क्यों, आखिर क्यों नहीं पकड़ेंगे? तो कहते हैं स्वाध्याय श्रुत संपन्न, हम भी स्वाध्याय किए हैं, हम भी गुरुजनों से सुने हैं, हम पढ़ाई लिखाई में कोई भी इधर पीएचडी से कम नहीं है, क्या समझते हो हमको? हम लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, स्वाध्याय किए हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई किए हैं, प्रख्याता जन्म कर्म भी, हमारा जन्म भी बहुत ऊंचे कुल में हुआ है, और जन्म ही नहीं कर्म भी, हमने कर्म भी बहुत बड़ा बड़ा किया है। तो आज दुनिया के न्यूज़पेपर में हम ये जो पढ़ेंगे कि दैत पूछ पकड़े थे, अरे हमारी नाक कट जाएगी, हम ये नहीं चाहते, हमारा यही काम रह गया, अब सांप की पूछ पकड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि भाई मुख पकड़ने में खतरा है ना, कहीं सांप डस देगा या उसका विष निकलेगा तो मर जाना पड़ेगा। तो ये लोग कहे कि अरे मरेंगे तो शान से मरेंगे, मरना किसको नहीं है, कि तुम लोग मरोगे तो तुम लोगों का नाम निकलेगा न्यूज़पेपर में, चाहे टेलीविजन में, जहां भी, लेकिन वीरता से मरे ना, सांप का मुख पकड़ करके, पुष्प नहीं पकड़ करके। हम मरेंगे तो इससे क्या, नाम कमा करके मरेंगे। भगवान ने कहा हम तो सोचते हैं कि आप लोग आराम से मथिए, पूछ पकड़िए, इधर एक खतरनाक अंग है। हाँ हाँ, खतरनाक अंग है तो तुम क्यों पकड़ा है?
ज्यादा चतुर मत बनो। तो भगवान के सामने किसी की बुद्धि नहीं चलती, जो चाहते थे वही हुआ। ये अपनी योग्यता बता रहे हैं, स्वाध्याय सुरक्षम पन्ना, हम लोग पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हैं। और जन्म कर्म विख्यात, ये कह करके वो लोग चुप हो गए, नहीं पकड़ेंगे। तुष्णीम आसन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा कह करके वे लोग चुप हो गए, चुप हो गए वे, हम नहीं पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम मुख पकड़ेंगे, उनके कहने का आशय ये था। तो भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके अपने भक्तों को उन्होंने कहा ठीक है चलिए आप लोग कुछ पकड़ लीजिए, वही वो चाहते थे। और ऐसा नहीं था कि वासुकी जी मंथन काल में पेशाब करने वाले थे, शौच करने वाले, ऐसा नहीं। लेकिन वे लोग तो अपनी बुद्धि दिखा रहे थे, भगवान हंसे और हंस करके पूछ छोड़ करके और अरे मुख छोड़ करके जाकर पूछ पकड़ ली। जब भगवान पूछ पकड़े तो देवता भी सब पूछ के तरफ हो, समय मानो विशेष जागरण, भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो कृत स्थान विभागास्ते एवं कश्यप नंदना, तो स्थान विभाग किया गया, एक तरफ दैत्य लगे और दूसरे तरफ भगवान के साथ देवता लगे। स्थान विभाग करने में भी बहुत देरी हुई, स्थान विभाग से केवल दो ही दल का स्थान नहीं, कौन व्यक्ति कहां पकड़ेगा, कहां खड़ा रहेगा, इंद्र कहां रहेंगे, फिर वरुण देव कहां रहेंगे, देवताओं का भी स्थान निश्चित किया गया। लंबी कतार में सांप को पकड़ना था तो सबका स्थान निश्चित किया गया कि आप यहां खड़े रहेंगे, आप यहां खड़े रहेंगे। दैत्यों में भी मूल जो स्थान था वहां बलि, पुलोमा, वृषपर्वा ये सब खड़े थे लीडर लोग, जहां पर वासुकी नाग के मुख से इनको हीट दिया जा रहा था, ताप दिया जा रहा। और जब समुद्र मंथन चालू हुआ तो वासुकी जी पर जोर पड़ रहा था तो और तेज सांस हो गई लंबी लंबी, तो और अधिक आग और धुआं उनके मुख से निकल रहा था, बहुत दूर में वो जाता था। दैत्य तो सब झुलस करके काले पड़ गए समुद्र मंथन के समय में, ये आगे वर्णन आएगा। दैत्य पकड़ लिए मुख और भगवान के साथ देवता पूछ पकड़े, स्थान विभाग निश्चित हुआ। ममंथु परमायत्ता अमृतार्थम पयोनिधिम, अमृत के लिए अब बहुत सजग होकर के, तत्पर होकर के, जोर लगा करके मंथन करने लगे, अर्थात तैयार हुए मंथन करने के लिए। मथ्यमान रणवेशो दृढ़नाधारो यपो विशत, जब ये लोग पकड़ करके पर्वत को मंथन दंड द्वारा और समुद्र में दूध में उतारे और उतारे और ऐसे अभी चालू ही करने जा रहे थे, तब तक तो पर्वत नीचे जाकर डूब गया, पता ही नहीं चला कहां चला गया। इतना विशाल पर्वत, अब नीचे कोई आधार था नहीं उसको रोकने के लिए, तो अतल महासागर में जाकर के डूब गए। अब तो देवता और दानव फिर बड़े फीके हुए लोग सोचे ये क्या हुआ। आप कल्पना कीजिए जरा उस बर्तन की, दही का बर्तन हो और उसमें मंथन दंड ही डूब जाए पूरा, और वे निकालने की कोई बुद्धि न हो, क्या करेंगे। तो वासुकी को पकड़े पकड़े चुपचाप दोनों ऐसे थे, वासुकी जी नहीं डूब गए भीतर, वो सरक करके निकल गए, पर्वत डूब गया, भारी पर्वत था, अनाधार था, नीचे कोई आधार नहीं था, डूबा डूब गया। अब देवताओं में और दानवों में ये कोई साहस नहीं कर सकता था कि उस विशाल समुद्र में डुबकी लगा करके उसको ऊपर उठावे, तो ऊपर ला रहे थे तो वो दशा कर दिया था, वो भीतर से क्या निकाल सकते थे उसको, और वो भी पता लगे कि कहां गया तब तो निकालने की सोचेंगे। जब उसमें वे
बांस डालकर चाहे कोई चीज डालते होंगे रस्सी आदि, कहीं पता ही नहीं लगता था कि कहां चला गया। अपो विषम, अप में आविष्यक, जल में डूब गया। ध्रियमाणोपि बलिभीर गौरवात् पांडु नंदना, बड़े बड़े बलवान दैत्य और देवता पकड़े थे पर्वत को बहुत जोर लगा करके, लेकिन फिर भी गौरवात् इतना भारी था कि डूब गया, चला गया नीचे। तेसु निर्वीण मनसः परिम्लान मुख श्रियः आसन सौ पौरुषे नष्टे दैवे नाति बल यशा। अब तो जो पहले प्रसन्न थे, अमृत पीने का उत्साह था, अब तो सबका मुख बिल्कुल कुम्हला गया, मलिन हो, म्लान हो गया मुख, भ्रष्ट हो गया। अब जान गए कि ना ये कार्य होगा नहीं, और देवताओं को दैत्यों को इसलिए बहुत निराशा हो गई कि अब सोचे कि बारंबार संकट आ रहा है, पर्वत लाने में मर गए थे और ये अब डूब गया, आगे और खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं मंथन करना ही ठीक है, अब छोड़ो अमृत पीने की क्या की जाएगी। तो उधर सोच रहे थे कमजोर रह जाएंगे, ये रह जाएंगे, और इतना पूंजी लगा, इतना मेहनत किए, पर्वत को उठाकर कहां से कहां लाए, तो यहां आकर डूब गया, अब क्या करें। तो सौ पौरुषे नष्ट, अपना पौरुष अपना पुरुषार्थ जब नष्ट हो रहा था तो देवता सब मलिन हो गए, उत्साह उनका मनोबल भी टूट गया और मुख की कांति भी मुरझा गई। आसन सौ पौरुषे नष्ट, अत्यंत बलवान दैव के द्वारा हुआ। लेकिन देवताओं में एक गुण है कि जब पर्वत डूब गया तो सब लोग अजित भगवान के मुख की तरफ देखने लगे, क्योंकि भगवान की अद्भुत शक्ति पर देवताओं को विश्वास, तो लोग भगवान की तरफ इस तरह से देखने लगे कि अब आप ही कुछ कीजिए, अब क्या हो गया, पर्वत कहाँ चला गया। अपने भक्तों को निराश देख करके भगवान उस समय एक लीला की, विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथाभिसंधि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविष्टोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवान हरि ने देखा कि यह विघ्नेश के द्वारा एक विधि प्रस्तुत की गई है। विघ्नेश गणेश जी को कहते हैं, वे विघ्नों के निवारण करने वाले हैं और विघ्नों के स्वामी भी हैं, हेड वही हैं विघ्नों के, विघ्न वही डालते हैं, इसीलिए उनकी पहले पूजा कर लेनी चाहिए कि विघ्न न डालें। कई प्रकार के विघ्न हैं, विघ्न का अर्थ बाधाएं किसी कार्य में, अतः गणपति जी की पूजा कर ली जाती है कि आप कृपया शांत रहेंगे, हमारा काम होने दीजिए, और जो छोटे छोटे विघ्न हैं उनको ये कंट्रोल कर देते हैं, तुम लोग मत विघ्न डालो। ये विघ्नपति है, विघ्नराज। भगवान ने देखा कि ये गणेश जी की एक चाल है, जबकि गणेश जी समुद्र मंथन में स्वयं भाग लिए थे, वे थे, लेकिन शायद वे इस बात से रंज थे कि हमारी क्यों नहीं पूछ की गई, काम चालू किया गया तो हमको पूछना चाहिए। कुछ टीकाकार ये अर्थ करते हैं, लेकिन यहां विघ्नेश विधि का अर्थ है भगवान की इच्छा, भगवान की ही इच्छा से यह कार्य हुआ था, डूब गया था पर्वत। तो दैत्यों और देवताओं को निराश देखकर भगवान अद्भुतम काक्षपम वपुः कृत्वा, एक अलौकिक अद्भुत कच्छप का शरीर धारण करके, शरीर प्रकट करके भगवान जल के भीतर प्रवेश किए और अपनी पीठ पर उस पर्वत को उठा दिए। फिर से जल में डूबा था, उस पर्वत को पीठ पर ला करके उठा दिया।
कच्छपम बपु की विशेषता सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं अद्भुतम। अद्भुतम सब प्रकार से, एक तो आकार की दृष्टि से अद्भुत था। तो इस संसार में कोई कच्छप देखेगा कितना बड़ा कच्छप होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा कच्छप देखेगा, लेकिन वह कच्छप था जिसकी पीठ की लंबाई चौड़ाई थी, क्षेत्रफल था 1,00,000 योजन, इसका अर्थ है 8,00,000 माइल। इतना इतनी चौड़ी पीठ थी, ये अद्भुत कच्छप हुआ। और रंग भी विचित्र था, और उस 1,00,000 विस्तारी पीठ पर भगवान 80,000 नहीं कितना होगा 10,000 योजन, 80,000 योजन पर्वत नहीं माइल, 80,000 माइल पर्वत ऊंचा विस्तार वाला धारण किए थे, फिर भी पीठ का बहुत बड़ा भाग बचा हुआ था जिस पर पर्वत नहीं था, क्योंकि 1,00,000 योजन और 10,000 योजन तो 10 गुना कम था, इसलिए अद्भुतम कच्छपम बपु, अद्भुत कच्छप का रूप भगवान ने प्रकट किया। और गिरिम उज्जहार, गिरिम पर्वत को उत्जहार ऊपर करके धारण कर लिया, अपने पीठ पर उठा ली। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि अजित भगवान पहले कच्छप अवतार धारण किए और धारण करके और तब पानी में प्रवेश किए। सब लोग देख रहे थे कि भगवान कच्छप का रूप धारण करके प्रवेश किए और अजित भगवान एक अपने रूप से बैठे थे बाहर, लेकिन वही कच्छप का रूप धारण करके दूध में प्रवेश किए, समुद्र में प्रवेश किए, और फिर प्रवेश करने के बाद कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि पर्वत उठ गया अपने आप। यह है ईश्वर की दुरंत शक्ति। इसलिए इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी अवितथाभिसंधि और दुरंत शक्ति वीर्य भगवान के लिए कह रहे हैं, जिनके वीर्य का पराक्रम का कोई अंत नहीं और जिनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है। अवितथ अभिसंधि दुरंत वीर्य, और सबके वीर्य की एक सीमा है, कोई मनुष्य कितना वजन उठा सकता है, इस संसार में कितना ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने वाले लोग होंगे तो कितना उठाएंगे, खूब उठाने वाला होगा तो 2-4 क्विंटल से ज्यादा नहीं उठा सकता, मनुष्यों में इससे अधिक शक्ति का कोई नहीं होगा। उसके पास वीर्य है वजन उठाने की, लेकिन कितना, एक अंत है, और अंत वो भी बहुत कम सीमा पर ही अंत हो जाता, क्या कोई इतना बड़ा शरीर प्रकट करेगा, और कोई अपने शरीर को कितना फैलाएगा, कितना शक्ति है, ज्यादा से ज्यादा बांह फैला कर इतना करेगा, लेकिन कह दिया जाए कि जरा 1 माइल में अपने को कर लो, तब ये कोई कर सकता है? भगवान चाहे तो अपने को 1,00,000 योजन में कर लिए, 1 योजन 4 कोस का होता है, 4 कोस मतलब 8 माइल, तो इस हिसाब से भगवान अपना प्रस्तार किए, विस्तार किए। इसी अवसर पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनंत वीर्य और अवितथाभिसंधि, इस शब्द विचारणीय है भक्तों के द्वारा, भगवान की अनंत शक्ति है, अनंत सब कुछ है, अमोघ संकल्प, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। सारे देवता तो निराश होकर के तट पर बैठ करके रो रहे थे, वो क्या करते, सब मिल करके भी पर्वत को निकालने में समर्थ नहीं थे, और देवताओं के पास एक केवल भगवान की तरफ देखना और रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। परंतु भगवान के पास क्या क्या उपाय है, तुरंत जल में प्रवेश के उठा दिए। आज के युग में
मनुष्य समाज में एक फैशन चल गया है, किसी को भी भगवान कह देना, यह एक फैशन हो गया। किसी में थोड़ा सा गुण देखते हैं तो कह देते हाँ ये तो भगवान है, साक्षात भगवान। अरे साक्षात भगवान में और असली भगवान में बहुत अंतर है। जो साक्षात भगवान मतलब लोक व्यवहार में जो लोग कह देते हैं साक्षात भगवान, साक्षात भगवान, बहुत ये फैशन चल पड़ा है। इसलिए असली भगवान का जल्दी पता नहीं चलता है, बहुत नकली भगवान भर। लेकिन जो भी अपने को भगवान कहता है या उसके चेला उसको भगवान कहते हैं तो उस भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्यादा नहीं, केवल एक क्विंटल का पत्थर लेकर उसके पीठ पर खूब रगड़ना चाहिए कि भगवान है कि नहीं, देखना चाहिए। और उस रगड़ के बाद भी वो बीमार नहीं हुआ, जी गया, तब मान लेना चाहिए हाँ ठीक है भगवान है। और कहीं एक क्विंटल का पत्थर दो चार बार पटक दीजिए तब तो उसकी लीला ही समाप्त हो जाएगी और भगवान बनता है। केवल एक साधारण बांध बनाना हो महानदी पर तो कह दीजिए भगवान अपना शरीर फैला करके बांध दे, क्या जरूरत है इतने सरकार को परेशान होने की। कोई भगवान हो उसको बुला करके कहना चाहिए कि जरा शरीर विस्तार करो, कोई नहीं कर सकता। सबकी सीमित शक्ति है, सीमित स्मृति शक्ति, सीमित बल, सब कुछ सीमित, बहुत अल्प अणुमात्र। भगवान में अनंत बल है, अनंत शक्ति। तिष्ठत क्षितिरि है विपुल तरे, कैसे है उसको तो पृष्ठ धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठ केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हर। धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठ, भगवान के पीठ का वर्णन जयदेव जयदेव भक्ति कर रहे हैं कि पर्वत के नीचे कीण, कीण का अर्थ है बहुत नुकीली चट्टाने सोने की निकली हुई थी और उस खरर खरर रगड़ हो रही थी भगवान के पीठ पर जो मंथन चल रहा था बहुत जोर से, और उसको भगवान आदि कच्छप अंग कंडुयनम मेन, वो ये माने कि हमारे पीठ को कोई स्नेह से खुजला रहा है। देवता और दानव बहुत जोर से मंथन कर रहे थे। आपने कभी मंथन करते हुए देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी खरर 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 भारी भारी चट्टाने निकली हुई थी। उस पर्वत के कड़ोरवे अंश का भी एक पत्थर किसी नकली भगवान पर रगड़ दिया जाए तो क्या होगा, जरा विचार करना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी को क्यों अनावश्यक भगवान स्वीकार कर लिया जाता है, क्या भगवत्ता है उसमें, क्या गुण है कि भगवान कह देते हैं। भगवान का अर्थ कुछ और है, विष्णु भगवान है, सभी भगवान नहीं हो जाते। यहां तो सब भगवान लोग बैठे ही हुए हैं तट पर रो रहे हैं ये हो गया, और एक बार पर्वत गिरने से सब मर गए थे, पर्वत गिरने से मर गए थे। फिर किसी तरह आराम से आए, भगवान ने बैठा दिया गरुड़ जी पर, फिर यहां आए तो मंथन दंड का ही पता नहीं चला, रो रहे थे तो भगवान उठाए। श्रीमद् भागवतम शेष करते हुए श्री सूत गोस्वामी भगवान कच्छप का स्मरण किए, पृष्ठे भ्रामेद मंद मंदर गिरे ग्रावाग्र कंडू ये नाथ निद्रा लो कमठा कृतेर भगवत श्वासा नीला पांतु जत संस्कार कलान वर्तन वसा बेला निबे वाम्भसा जाता जातम तम जितम जल दिधे नाद्यापि प्रशान्वित। जिनके पीठ पर अमंद मंदर गिरी घूम रहा था, अमंद का अर्थ बहुत भारी, भगवान कच्छप देव के पृष्ठ पर
विशाल पर्वत घूम रहा था और गावाग्र कंडुयना, गावाग्र का अर्थ है ग्रावाग्र, बड़े बड़े चट्टान निकले हुए थे और उनका कंडुयन, उनकी रगड़ के कारण भगवान कमठाकृति को नींद आ गई। भगवान को सुख का अनुभव हुआ। जब किसी व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है तो उसको नींद आ जाती है। जो पर्वत रगड़ा जा रहा था तो भगवान कच्छप को नींद आ गई। और आप देखें जब नींद आ जाती है किसी व्यक्ति को तो उसका दीर्घ श्वास चलता है। उस समय भगवान की जो श्वास चली तो वे श्वास से हमारी रक्षा करें और उसी श्वास से आंदोलित होकर आज तक समुद्र विश्राम नहीं किया। इसमें तरंगे उठती रहती हैं, उठती रहती हैं। समुद्र पर देखे हैं जगन्नाथपुर में चाहे कहीं भी, इधर तो सब जगह समुद्र टच किया। आज भी अद्यापि जलनिधे जत, आज भी समुद्र में शांति नहीं हुई। तो भगवान ने जो श्वास लिया था उसी श्वास द्वारा आंदोलित हुआ है समुद्र। और ये तरंगे उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं निरंतर समुद्र में। तो भगवान कच्छप के वे श्वास वायु हमारी रक्षा करें, हमारा पोषण करें। यह भगवान की लीला कच्छपावतार में। तो फिर मंथन चालू हुआ। तो सुदेव वसन कहते हैं, सुरा सुरेन्द्रैर भुजवीर्ज वेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत तदावर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडुयनम प्रमेय। सुरा सुरेन्द्र ही भुजवीर्ज वेपितं, देवताओं और दानों की बलवान भुजाओं द्वारा वह पर्वत आंदोलित हो रहा था। वेपितम कंप रहा था, यहां तक कि जब वो लोग जोर लगाते थे, भगवान अजित भी लगे हुए थे, जब वो जोर लगाते थे तो कभी कभी पर्वत ऊपर उठता था और ऊपर उठ करके धड़ाम से भगवान की पीठ पर कभी गिरता था। वे लोग तो अमृत पीने के लिए उतावले हो गए थे, भगवान के दुख को नहीं समझ रहे थे। भगवान को दुख था भी नहीं, लेकिन देवता और दानव तो अमृत के फेर में थे। तो पर्वत एक तो रगड़ कर रहा था, कभी ऊपर उठ रहा था, धम से गिरता था, कभी कुछ इस तरह से लगा हुआ था। लेकिन तद आवर्तनम, पर्वत के इस भ्रमण को अप्रमेय अपरिसीम भगवान ने क्या अनुभव किया, अंग कंडुयनम, मैंने उन्होंने यही माना कि हमारे अंग को खुजलाया जा रहा है। भगवान को एक विशाल पर्वत से थोड़ा सहलाया जा रहा है, खुजली जैसा उनको अनुभव हो रहा। यह है भगवान की शक्ति। उनका सब कुछ अनंत है, अद्भुत है, अलौकिक। समुद्र